श्रियं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवाञ्चं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांच हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश कांत राधा कान नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास महाराजिते नामिने। सबसे पहले मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ मुझे आशीर्वाद दें कि मैं कुछ कह पाऊँ। इतने सारे वैष्णवों के बीच में इतनी सुंदर सुंदर क्लासेस हमने सुनी है और उच्च कोटि के वैष्णवों से सुनी है, तो मैं कुछ जानती नहीं हूँ। बस थोड़ा सा रिवाइज करेंगे जो हमने दो दिन में सुना, क्योंकि सब कुछ ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। महाराज ने भाव और प्रेम भी कवर कर ही लिया है, तो उसको थोड़ा सा हम समराइज करके रिवाइज करेंगे। तो मेरी सबसे प्रार्थना है मुझे आशीर्वाद दें कि मैं कुछ कह पाऊँ। तो सबसे पहले जब मैं क्लासेस सुन रही थी, सारी क्लासेस सुनी, तो मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा था, मे बी औरों के भी मन में आ रहा हो, कि क्या ज़रूरत है हमें इतना सब कुछ जानने की कि ये स्टेजेस हैं, ये निष्ठा रुचि आसक्ति फिर भाव फिर प्रेम, सीधे साधे भक्ति करते चले जाओ, क्या ज़रूरत है इतनी पछड़ों में पढ़ने की। तो किसी और के मन में ये भाव आया, काफ़ी लोगों के मन, मुझे लगा शायद मेरे ही मन में आया सर। तो लेकिन मुझे अपने प्रश्न का अंदर से मैंने आंसर टटोला, तो मुझे लगा कि नहीं, सच में आवश्यकता है इनकी, इस चीज़ की, क्योंकि हमारे आचार्यों ने अगर ये बताया है तो इसकी आवश्यकता। मैं आंसर मुझे ये मिला कि अगर आचार्यों ने इसको डिस्क्राइब किया है तो इसका मतलब आवश्यकता है। वो हमें समझ में नहीं आ रही है कि इसकी आवश्यकता है या नहीं है। आवश्यकता ये है कि जब तक हायर गोल सेट नहीं होगा तब तक हम उसको अचीव करने के लिए प्रयास नहीं करेंगे, है ना। हम इसी में ही सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि ठीक है हम 16 माला चार नियम कर रहे हैं और ठीक ठीक ठाक से कभी कभी थोड़ा बहुत पढ़ भी लेते हैं, भागवतम पढ़ लेते हैं या सुन लेते हैं, हम बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं। उन लोगों से तो बहुत अच्छे हैं जो कभी कभी बस दिया जला देते हैं, और हम तो उनसे बहुत बेटर हैं। लेकिन जब हम ऐसी क्लासेस सुनते हैं तो हमारे मन में क्या भाव आता है कि हम तो कुछ भी नहीं, अभी तो हमने पहली सीढ़ी भी नहीं रखी है सीढ़ी पर। ये क्या है, भक्ति लेडर है ना, ये जो हम पढ़ रहे हैं सारा, ये क्या है, भक्ति की सीढ़ी है, भक्ति लेडर है। तो ये जब हम पढ़ते हैं सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अभी तो हमने पहला कदम भी नहीं रखा है और डेस्टिनेशन जो है वो बहुत ऊपर है, जो हमारा गोल है वो बहुत ऊपर है कि हमने क्या अचीव करना है। और इसलिए आवश्यकता है कि अगर हमें अपना गोल पता ही नहीं होगा, अगर बच्चे को 98% स्कोर करने हैं उसने सेट करा ही नहीं होगा, तो वो तो जब हमारे टाइम में हमने प्लस टू किया था तो मेरे 68% मार्क्स आए थे, तो मेरे पेरेंट्स बड़े खुश हुए थे कि मेरे बच्चे जो है वो फर्स्ट डिवीजन पास हैं। उस समय 68% बहुत अच्छा माना जाता था, लेकिन अब जो है 98% उसकी जगह जो है वो 98% ने ले ली है। आज की डेट में किसी के 68% आ जाते हैं तो ऐसे लगता है कि क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, है ना, क्योंकि गोल जो है वो हायर सेट हो चुका है। अगर हमारा गोल हायर सेट होगा तो हम उसके लिए प्रयास करेंगे। तो हमारा गोल जो है प्रेम, और महाराज जैसे कल बता रहे थे कि हमारी पहुंच स्नेह तक है, तो स्नेह तक हमें पहुंचना है तो ऐसा लगता है। और दूसरा प्रश्न जो मेरे मन में आया, मे भी आप लोगों के भी मन में किसी के आया हो, कि क्या हम कभी पहुंच पाएंगे, है ना, क्या हम ये अचीव कर पाएंगे। महाराज आपका आशीर्वाद जिनके साथ है सब पहुंच जाएंगे, तो क्या हम पहुंच पाएंगे, ये था। तो क्या कैसे पहुंच पाएंगे,
तो मैंने पीछे भक्तिर साम्राज्य महाराज का एक लेक्चर मैं सुन रही थी, उसमें वो बता रहे थे कि एक व्यक्ति जा रहा था रास्ते में और उसको पोस्ट ऑफिस का रास्ता पता करना था वो कितनी दूर है। जैसे अभी मैं 2 दिन ब्रज मंडल परिक्रमा में भी गई थी, तो वृंदावन से मथुरा की परिक्रमा हम लगा रहे थे, तो जो पहुंचना था हमें वो वहां पहुंचना था किशोरी रमन इंटर कॉलेज तक, तो हमें पता नहीं था कि किशोरी रमन इंटर कॉलेज कहाँ पर है। चलते जा रहे हैं, लास्ट में जब थक गए, हिम्मत थोड़ी सी टूटने लगी, तो हर कोई पूछने लग गया कि ये किशोरी इंटर कॉलेज कहाँ पर है, किशोरी रमन इंटर कॉलेज कितनी दूरी पर है। तो ऐसे ही वो व्यक्ति पूछ रहा था कि पोस्ट ऑफिस अभी कितनी दूरी पर है, तो जिससे पूछ रहा था उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने दोबारा पूछा, सुनिए ये पोस्ट ऑफिस कितनी दूरी पर है, कितनी देर लगेगी जाने में, तो फिर उसने कोई जवाब नहीं दिया। ये पोस्ट ऑफिस कितनी देर लगेगी जाने में, फिर उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सोचा ये शायद या तो सुन नहीं सकता या फिर अभी जवाब देने के मूड में नहीं है, तो वो चलने लगा। जैसे ही वो चलने लगा तो जो जिनसे वो पूछ रहे थे उन्होंने पीछे से आवाज लगा के बोला, सुनो बस 10 मिनट लगेंगे आपको पहुंचने के। वो बड़ा हैरान हुआ कि मैंने इतनी बार पूछा तब तो मेरे को कोई रिप्लाई नहीं किया, अब मैं जब चलने लगा तो मुझे पीछे से बुला के कह रहे हैं कि 10 मिनट लगेंगे। तो वापिस आ गया कि प्रभु जी आप, मेरा एक प्रश्न है कि जब मैं पूछ रहा था आपने तब तो मेरे को जवाब नहीं दिया, और अब जब मैं चल पड़ा तो आपने मुझे पीछे से बुला के बताया कि 10 मिनट लगेंगे, तो ऐसा क्यों किया। बोले मैं पहले आपकी चाल तो देख लेता, तभी तो मुझे पता चलता कि आप कितनी देर में पहुंचोगे, है ना। तो जब तक ये सब हम वो चीज अचीव कैसे करेंगे, ये हमारी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। हम कितनी जल्दी वहां कौन सी स्टेज तक पहुंच गए हैं, क्या हम अनर्थ निवृत्ति तक ही अटके हुए हैं या हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, निष्ठा रुचि आसक्ति भाव तक पहुंचे हैं, है ना। ये हमारी स्पीड पर है। कई भक्त हम देखते हैं अभी नए नए जुड़ते हैं और बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर, पहले दिन से ही 16 माला करने लगेंगे, पहले दिन से ही 4 नियम भी करने लगेंगे और सभी सारी बुक्स भी जल्दी जल्दी पढ़ने लगेंगे। कई भक्त दीक्षा भी ले लेते हैं लेकिन फिर भी कोई दीक्षा ले ली जाती है लेकिन फिर भी कोई बुक्स नहीं पढ़ी होती। तो ये हमारी अपनी स्पीड है, हम जितनी निष्ठा से जितनी तन्मयता से जितनी रुचि से अपना सब कुछ करेंगे और जितने विश्वास से ये सब कुछ करेंगे। और गुरु महाराज का आशीर्वाद भी, गुरु महाराज का आशीर्वाद सब भक्तों के साथ है लेकिन जो जितनी ज्यादा रुचि दिखाता है महाराज का आशीर्वाद उतना ज्यादा बढ़ता चला जाता है, है ना। जितनी ज्यादा उसकी सेवा, मतलब सेवा ये नहीं कि सिर्फ गुरु महाराज की तरफ सेवा करनी है, भागवत की तरफ से भागवत सेवा, नाम सेवा, जितनी भी हमारी ये सेवा बढ़ती चली जाएगी महाराज का आशीर्वाद भी उतना ही बढ़ता चला जाएगा। महाराज तो प्रसन्न होंगे कि हाँ मेरे बच्चे, हम अगर मेरे घर में मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे अगर अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा सारे नियमों का पालन करते हैं, मैं जितने बजे कहती हूँ उठते हैं, जितने बजे मैं कहती हूँ पढ़ते हैं, जितने बजे मैं कहती हूँ सोते हैं, जो मैं कहती हूँ खाते हैं, तो बताइए मैं अपने बच्चों से प्रसन्न होंगी या नहीं होंगी, मेरा अपने बच्चों के साथ आशीर्वाद होगा या नहीं होगा। सेम महाराज का है, जैसे महाराज की आज्ञा है हमारे लिए कि ये इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, ये पढ़ना है, ये खाना है, ऐसे नियम पालन करने हैं या ऐसे सेवा करनी है, ये सेवा करनी है, अगर हम उनको फॉलो करते चले जाएंगे तो महाराज का आशीर्वाद होगा ही होगा। इसमें कोई, महाराज तो आशीर्वाद देने के लिए बैठे हैं, है ना, वो हमें लेना आना चाहिए। तो यही है हमारी स्पीड, हमें बस थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। वो हर किसी की इंडिविजुअल थोड़ी सी स्पीड है कि कोई कैसे कैसी स्पीड है, किसी के कोई, किसने भौतिकता को कितना छोड़ा है, किसने 10%, किसी ने 20%, किसी ने 50%, कोई सीधा ही 90 पे पहुंच जाए तो अपने आप हम वो लेवल अचीव कर लेते हैं। तो जैसा कि क्लासेस चल रही हैं कि भक्ति लैडर है ये, तो थोड़ा सा हम पहले समराइज कर लेते हैं इसको, कि जैसे एक एक लाइन, दो दो लाइन में हम वो करेंगे। स्टार्ट कहाँ से हुआ भक्ति लैडर सब जानते हैं ना, श्रद्धा से, है ना, श्रद्धा से शुरू हुआ। तो श्रद्धा से शुरू हुआ, श्रद्धा का क्या अर्थ है, फेथ। श्रद्धा का अर्थ है कि भगवान कृष्ण की भक्ति करने पर हमारे सर्व काम सिद्ध हो जाएंगे, इस चीज पर हमारा विश्वास होना कि केवल कृष्ण की भक्ति करने पर ही हमारा सब काम
हो जाएगा। सब काम में ये नहीं कि सिर्फ हमारा भौतिक काम हो जाएगा, सब काम जो मुक्ति की आशा रखते हैं, जो मोक्ष की आशा रखते हैं, जो प्रेम की आशा रखते हैं, भगवत प्रेम तक जाना चाहते हैं, सारा काम वो मैं LIC में काम करती हूँ, तो हमारे यहाँ एक सिंगल विंडो होता है। सिंगल विंडो मींस ऐसा नहीं है कि आपको प्रीमियम जमा कराना है तो अलग टेबल पे जाना पड़ेगा, आपको अगर अपना एड्रेस चेंज कराना एड्रेस चेंज कराना है तो दूसरी टेबल पे जाना पड़ेगा, या लोन लेना है तो तीसरी टेबल पे जाना पड़ेगा। सिंगल विंडो मींस आपको एक ही टेबल पे जाना है, वहां आपके सारे काम हो जाएंगे, चाहे आपको एड्रेस चेंज कराना है, चाहे आपको लोन लेना है, चाहे आपका क्लेम है, चाहे कुछ भी है। तो वो कृष्ण भक्ति क्या है, ये सिंगल विंडो है। सिंगल विंडो है मीन्स आपको कृष्ण बस भक्ति करते जाना है, बाकी आपका सारा काम अपने आप हो जाएगा, चाहे वो भौतिक काम हो, चाहे वो आपका स्पिरिचुअल काम हो, कुछ भी हो, इस चीज के ऊपर हमारा पूरा विश्वास होना, ये क्या है, श्रद्धा है ना। ये शुरुआत ही यहां से होती है कि हमारी श्रद्धा कितनी स्ट्रांग है। जितनी हमारी श्रद्धा स्ट्रांग है उतना हमारा आगे की तरफ कदम आसानी से बढ़ेगा और स्पीड से बढ़ेगा। जितनी श्रद्धा स्ट्रांग उतना हमारा कदम आसानी से और स्पीड से बढ़ता चला जाएगा। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, है ना, हमने श्रद्धा पे पूरा उस पर विश्वास करके हमारा निश्चय जो है वो सुदृढ़ हो जाएगा। और दूसरा, श्रद्धा के उत्पन्न होने पर साधु संग प्राप्त होता है। जब श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है तो क्या होता है, साधु संग प्राप्त होता है। वो कैसे, जब पूरा विश्वास हो गया फिर हम खोज करते हैं अपने आप, जो पहले क्या था, अगर श्रद्धा नहीं थी तो हमें, मुझे लगता है सभी के साथ ही ऐसा हुआ होगा कि कृष्ण तो पहले भी थे, पहले भी हमें कभी कभी कुछ सुनने को मिल जाता था, लेकिन तब तक अभी श्रद्धा इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि हमने साधु संघ को अडॉप्ट नहीं किया, है ना। जब श्रद्धा स्ट्रांग हुई तो साधु जो भक्त लोग हमें बताते हैं उस पर हमें पूर्ण विश्वास होने लगता है ना। साधु संघ हम प्राप्त करते हैं, साधु संघ खोजते हैं, जब साधु संघ खोजते हैं तो साधु संघ मिलने लगता है ना। और साधु संघ जब मिलता है और साधु संघ को जब मिलता है तो उसको धारण भी करते हैं, है ना, उसको धारण भी करते हैं, उनको सुनने का प्रयास करते हैं, उनको पीने का प्रयास करते हैं, उनको जानने का प्रयास करते हैं। अदरवाइज क्या है, कई बार ऐसा होता है कि जैसे बड़े बड़े वैष्णव अगर घर में आते हैं या हमारे सेंटर में आते हैं, हम इतने लोगों को घर में बुलाते हैं प्रचार करने के लिए, तो आप बताइए कितने, हम अगर 50 को अगर इन्वाइट करते हैं तो कितने आते हैं, 20-25, है ना। यानी कि साधु संघ तो उनको भी भगवान ने तो उनके ऊपर कृपा की कि उनको साधु संघ मिलने वाला था, लेकिन उन्होंने कृपा ली नहीं, है ना, क्यों, क्योंकि अभी श्रद्धा हुई विकसित नहीं हुई, है ना। साधु संघ तो मिल रहा है उनको, लेकिन क्योंकि श्रद्धा विकसित नहीं हुई इसलिए उन्होंने साधु संघ को ग्रहण नहीं किया, है ना। तो दूसरा, श्रद्धा जब विकसित होगी तो साधु संघ हम ग्रहण करते हैं, मिलता तो है लेकिन तब तक हम साधु संघ को ग्रहण ही नहीं करते जब तक श्रद्धा विकसित नहीं होती, है ना। तो अब मेन ये है कि श्रद्धा विकसित कैसे हो, है ना, तो श्रद्धा विकसित कैसे हो। जो लोग नहीं जानते भगवान को, जो बिल्कुल एक लेमैन है, उसको कुछ नहीं पता भगवान के बारे में, उनकी श्रद्धा कैसे विकसित हो, क्योंकि हमारे तो नाम अपराध में भी यह अपराध है कि जो लोग अश्रद्धालु व्यक्ति को हमें नाम का उपदेश नहीं देना, है ना, तो फिर उन लोगों उन विचारों की श्रद्धा कैसे विकसित होगी, है ना। तो ये भी एक कई बार मेरे मन में प्रश्न आता है, जो जो प्रश्न मेरे मन में आते हैं मैं सोचती हूँ सबके मन में आते होंगे, है ना, कि जब उनको अगर हम देंगे नहीं तो उनको कैसे पता चलेगा। तो उनकी सुकृतियां जिस दिन इकट्ठी हो जाएंगी तो उस दिन वो अपने आप उनके अंदर श्रद्धा जागृत हो जाएगी। सुकृतियां इकट्ठी करने के भी कई तरीके हैं, है ना। सुकृतियां क्या है, जो भक्ति उन्मुखी पुण्य है, भक्ति उन्मुखी पुण्यों को ही हम सुकृतियां कह देते हैं। जैसे इस्कॉन में ये बहुत, मुझे लगता है इस्कॉन एक ऐसी संस्था है जो इन कामों में बहुत ज्यादा
सोचती है इस कामने की कि कैसे लोगों की सुकृतियां इकट्ठी कराई जाए। हरि नाम निकालना, हरि नाम निकल रहा है जो गा रहे हैं उनकी तो खैर जो हो रहा है, लेकिन जो सुन रहे हैं उनकी सुकृतियां, चाहे वो नहीं चाहते सुनना लेकिन उनकी सुकृतियां इकट्ठी हो रही है क्योंकि उनके नाम में कान में हरि नाम पड़ रहा है ना, तो उनकी सुकृतियां इकट्ठी हो रही है। मान लो हमारा काम फूल, हमें ऐसे ही अचानक से फूल हमने मंदिर में, हमारा काम ही फूल सप्लाई करने का है और हमें मंदिर की सेवा मिल गई है ना, तो अनजाने में ही वो हमारी सुकृतियां इकट्ठी हो गई है ना। तो सुकृतियां कई तरीके से इकट्ठी, मान लो हमें कोई भक्त जाते हुए रास्ते में मिल गया तो हमने उनको, हमारे मन में अगर श्रद्धा जागृत हो गई उस भक्त को देख के तो हमारी सुकृतियां इकट्ठी, हमारे मन में भाव आया देखो कितने सुंदर भक्त, कितना सुंदर तिलक लगा रखा है, कंठी पहन रखी है, कितना सुंदर लग रहा है, इनको देख के ही कृष्ण की याद आ रही है, तो हमारी सुकृतियां उसी समय इकट्ठी हो गई। और जब हमारी सुकृतियां इकट्ठी हो गई तो वो फलीभूत होने लगी, वो फलीभूत किसमें होने लगी, हमारी श्रद्धा जागृत होने लगी है ना। तो ऐसे हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारी एटलीस्ट जिन लोगों के अंदर श्रद्धा नहीं है अभी विकसित हुई तो उनकी सुकृतियां इकट्ठी करवाने में उनकी मदद करनी चाहिए, उनको कभी कभी भगवान की लीलाएं सुनाकर, कभी वैसे ही थोड़ा सा हरि नाम चलाकर ताकि उनके कानों में भी पड़े। तभी हमें जो हम जप करने के लिए भी हमें बोला जाता है तो जोर जोर से बोल के जप करो ताकि हमें सुनाई दे, क्यों, क्योंकि जो सुनने वाले हैं, इवन जो 84 लाख योनियां जो भी हैं, कीड़े मकोड़े जो भी आसपास घूम रहे हैं उनके कानों में भी वो पड़े तो उनका भी कुछ उद्धार हो जाए है ना। तो ये चीजें हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि कैसे हम दूसरों की सुकृतियां एकत्रित करने में उनकी मदद कर सकते हैं। उनको उन्होंने कभी अनजाने में ही प्रसाद खा लिया, भले ही रसगुल्ला समझ के खाया, उनको पता भी नहीं है कि वो प्रसाद है ना, लेकिन वो प्रसाद पाते ही उनकी सुकृतियां इकट्ठी हो गई। मैं ऑफिस में लंच लेके जाती हूँ तो अपनी जो सब्जी लेके जाऊंगी वो डिब्बी में अलग से उनके लिए लेके जाऊंगी और सबको वो सब्जी जरूर खिलाती हूँ कि ताकि थोड़ा थोड़ा प्रसाद ही उनके पास जाए तो वो उनकी सुकृतियां इकट्ठी होगी। तो कभी तो इस जन्म में ना सही किसी जन्म में सही श्रद्धा जागृत तो होगी है ना, क्योंकि जब तक श्रद्धा जागृत नहीं होगी हम अगला कदम बढ़ा ही नहीं सकते, बिना श्रद्धा जागृत हुए हमारा अगला कदम नहीं बढ़ सकता। अब प्रश्न ये है कि हमारे अंदर कैसे श्रद्धा जागृत हो गई, तो हमारे पिछला प्रारब्ध, जैसे कल प्रभु जी बता रहे थे, क्या पिछले प्रारब्ध से भक्ति मिलती है, नहीं, कृपा से भक्ति मिलती है, नहीं नहीं, लेकिन सब कुछ थोड़ा थोड़ा होने से भक्ति, जैसे माता जी उस दिन बता रही थी क्या प्रयास भी और कृपा भी, हमारा प्रयास भी होना चाहिए हमारी कृपा भी होनी चाहिए। रस्सी दो उंगल छोटी क्यों रह गई, क्योंकि प्रयास और प्रसाद, धूप निकल रही है और हम कुर्सी लेके बाहर बैठ ही नहीं रहे हैं तो कैसे हम धूप का आनंद ले सकेंगे। धूप निकल रही है यानी कि भगवान की कृपा तो हो रही है, प्रसाद तो बरस रहा है, लेकिन हम कुर्सी लेके बाहर बैठे ही नहीं तो हम धूप नहीं सेक पाएंगे, और अगर हम कुर्सी लेके बाहर बैठे और धूप निकली नहीं तो भी हम धूप नहीं सेक पाएंगे। दोनों चीजें साइमल्टेनियसली होनी जरूरी है, लेकिन अगर धूप नहीं निकल रही फिर भी हम रोज कुर्सी लेके बाहर बैठ रहे हैं, रोज कुर्सी लेके बाहर बैठ रहे हैं कि कभी तो धूप निकलेगी, कभी तो धूप निकलेगी, तो क्या है जब हमारा प्रयास बहुत ज्यादा होता है तो भगवान को कृपा करनी ही पड़ती है। भगवान भी, जब एक बच्चा अपने माता पिता से कुछ चाहता है, कोई टॉय खरीदना है छोटे बच्चे ने, तो आराम से मांगता है मम्मी ये दिला दो, मम्मी ये दिला दो, नहीं बेटा नहीं चाहिए, नहीं देना, नहीं लेना, तो क्या होता है वो जब जिद करने लगता है, लिट जाता है, सड़क पर फैल जाता है, तो क्या होता है दिलाना ही पड़ता है ना। तो जब हम लिट जाएंगे है ना, फैल जाएंगे कि नहीं हमें तो कृपा चाहिए ही चाहिए, तो कहां कृपा, कहां तक भगवान भी और गुरु महाराज भी संभाल के रखेंगे अपने पास, तो देनी ही पड़ेगी है ना। तो कृपा को, कृपा मिलती तो है लेकिन कृपा छीननी भी पड़ती है, कृपा लेनी पड़ती है ना। जब कृपा लेंगे तो अपने आप हमारी श्रद्धा, और फिर अपने आप दूसरा स्टेप क्या है, साधु संग हमें अपने आप होने लगा। तो पहले श्रद्धा और दूसरा स्टेप क्या है, साधु संग, और तीसरा क्या है, भजन क्रिया। और जब साधु संग प्राप्त हो जाता है और हम गुरु की शरणागति स्वीकार कर लेते हैं तो भजन क्रिया
शुरू हो जाती है। भजन क्रिया कब शुरू होती है? जब गुरु की शरणागति स्वीकार कर लेते हैं। दीक्षा काले भक्त हाँ शिष्य करे आत्मसमर्पण, तेई काले कृष्ण तारे करे आत्मसम, है ना। जब शिष्य आत्मसमर्पण कर देता है गुरु की उसमें, तो वो क्या है, उसी समय कृष्ण जो है वो हमें अपने गले आत्मसम कर लेते हैं, अपने गले लगा लेते हैं, क्योंकि हमने उनके एक भक्त की तरफ समर्पण कर दिया, है ना। लेकिन जब तक हम समर्पण नहीं करते, तभी तो कहते हैं ना भक्ति की शुरुआत ही दीक्षा के बात होती है। जब बहुत से लोग दीक्षा लेने में बहुत घबराते हैं कि हम बंध जाएंगे, ये होता है कि हम बंध जाएंगे। अरे यहां नहीं बंधोगे तो माया में बंधोगे, कहीं ना कहीं तो बंधना ही पड़ेगा। बेटर है कि यहां बंधो, तो यहां बंधोगे तो माया से छूट जाओगे। लेकिन ये बात समझानी, उस स्टेज पे ये बात समझ में नहीं आती है, तो कई बार थोड़ा सा कन्विंस भी करना पड़ता है हमें दीक्षा के लिए, क्योंकि उस स्टेज पे ये बात समझ में नहीं आती। जब धीरे 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 वो देखते हैं तो उनको ये बात समझ में आती है कि हाँ कैसे माया से हम छूट सकते हैं। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, तेई काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। जब दीक्षा काल में जो शिष्य आत्मसमर्पण कर लेता है, वही समय होता है तेही काले कृष्ण तारे, उसी समय कृष्ण तार देते हैं, कृष्ण तारे करे आत्मसम अपने और हमें गले से लगा लेते हैं। पेज नंबर 14 में दीक्षा से पूर्व गुरुदेव की सेवा का मुख्य काल गुरु कृपा रूप मंत्र दीक्षा लाभ करना है। जो दीक्षा से पूर्व हम गुरु की सेवा करते हैं उससे क्या है, हमें दीक्षा लाभ मिलता है, हमें दीक्षा मिलती है। और दीक्षा के पश्चात सेवा का फल साधन पथ पर निर्विघ्न होना और शीघ्र ही प्रेम भक्ति की तरफ कृतार्थ करता है। कि जो दीक्षा से पहले हम गुरु की सेवा करते हैं उससे क्या है, हमें गुरु मिलते हैं, दीक्षा का फल मिलता है। और जब दीक्षा के बाद हम गुरु की सेवा करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे जो हम साधन पथ पर निर्विघ्न चलते रहते हैं, हमारे साधन पर कोई विघ्न नहीं आता, हम भजन की हमारा भजन जो है वो निर्विघ्न चलता रहता है, और निर्विघ्न भजन ही हमें प्रेम पथ पर लेकर जाता है। लेकिन जब तक दीक्षा नहीं होती, क्यों, तब तक ये हमारा भजन निर्विघ्न नहीं चल सकता। अब कोई कहते हैं कि गुरु हो, अगर हम गुरु धारे तो ही हम भजन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप अगर भजन कर रहे हो और आपके ऊपर किसी भक्त की कृपा नहीं है, तब तक हमारा भजन जो है वो निर्विघ्न नहीं चल सकता, है ना। हम प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं तो क्या हम डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर से मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते। उसके लिए उनके किसी जो उनके असिस्टेंट है या उनके जो भी क्लोज असिस्टेंट है, उनसे आपकी मदद अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, उनकी मदद लेनी पड़ेगी, तभी हम प्राइम मिनिस्टर के पास जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमें दीक्षा के बाद जो हमारी भक्ति है वही हमें निर्विघ्न भजन की तरफ हमें लेके जाती है, और वही निर्विघ्न भजन निर्विघ्न साधन ही हमें प्रेम पथ पर लेके जाता है। तो साधु संघ के बाद ही हमारी भजन क्रिया शुरू होती है, और भजन क्रिया के बाद क्या है, अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति जो कि जैसे कि प्रभु जी बता रहे थे प्रेश प्रभु की इस बुक का एक ये बुक है ही अनर्थ निवृत्ति के ऊपर, है ना, अनर्थ की निवृत्ति। माता जी ने बहुत सुंदर बताया था कि जिसका कोई अर्थ, जो जो मैंने कल क्लासेस सुनी मैंने उसका जिस्ट लिया है बस, है ना, जिसका कोई अर्थ नहीं है वो, है ना, जिसका अनर्थ निवृत्ति क्या है कि जिसका कोई अर्थ नहीं है। कृष्ण भक्ति की कामना के अलावा जो भी कामना करते हैं वो अनर्थ है। कृष्ण भक्ति की कामना के अलावा अगर हम कोई कामना करते हैं तो वो अनर्थ है, और सब अनर्थों का मूल जड़ क्या है, भोग वासना है। अब भोग वासना में जरूरी नहीं कि हमें धन की वासना ही हो, है ना, जरूरी नहीं कि हमें धन की वासना है, हमें प्रॉपर्टी की वासना है, हमें मान प्रतिष्ठा की वासना जो है वो सबसे बड़ी वासना है। हमें किसी के साथ ईर्ष्या द्वेष क्यों होता है, क्योंकि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, वो मेरे से आगे कैसे बढ़ गया, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, है ना, ये ईर्ष्या है,
है ना। गुरु महाराज ने, महाराज सबको इक्वल प्रेम करते हैं, सब उनके लिए सब शिष्य। हम अपने बच्चों को क्या अलग अलग प्रेम करते हैं, है ना, नहीं करते। लेकिन ये भगवान भी कहते हैं, समो हम सर्वुतेषु ना मैं द्वेष्यु अस्ति ना प्रिया ये भजंती तू मां भक्त्या मैते जिषु चापे। मेरे लिए सब बच्चे मेरे जो है वो बराबर है, ना मैं किसी से द्वेष करता हूँ और ना ही मैं किसी को बहुत अधिक प्रेम करता हूँ। ये भजंती तू मां भक्त्या मैते जिषु चापे। लेकिन जो प्रीति पूर्वक मेरा भजन करता है वो मेरा मित्र है और मैं उसका मित्र हूं। अगर महाराज हमें, महाराज करते नहीं है, अगर हमें कभी ऐसा लगता है कि महाराज उससे ज्यादा प्रेम करते हैं, तो जो महाराज का प्रीति पूर्वक भजन करेगा, जो उनकी प्रीति पूर्वक सेवा करेगा, तो महाराज के मन में भी थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर तो आएगा। हमारे घर में अगर चार बच्चे हैं, एक बच्चा हमारी सेवा करता है, एक बच्चा हमारा कहा मानता है और दूसरा बच्चा नहीं मानता, तो बताइए जो बच्चा हमारी सेवा करता है उसके लिए हमारे मन में सॉफ्ट कॉर्नर आएगा या नहीं आएगा। जब हमारे चार बच्चों में हमारे लिए ये आ रहा है, तो महाराज के पास तो इतने बच्चे हैं, तो जो उनके क्लोज उनकी सेवा करेगा, तो उनके लिए महाराज के मन में थोड़ा सा अगर आ भी जाएगा, तो हम ईर्ष्या इसमें क्यों लाते हैं, हमारे मन में ऐसा क्यों भाव आता है। अक्सर यही मैंने तो अपने अभी तक की भक्ति की प्रैक्टिस में ये देखा है कि ये भाव जो है वो भक्ति में हमें पीछे कर देता है, है ना, ये भाव भक्ति में हमें पीछे कर देता है। जैसे हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं ना, उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, है ना, नेगेटिव मार्किंग होती है, तो क्या है, हम कितना भी अच्छा लिखाएं लेकिन उसमें से अगर हम 10 क्वेश्चन हमने गलत कर दिए तो हमारे मार्क्स नीचे आ गए। तो ऐसे ही हम कितनी भी अच्छी भक्ति कर लें, अगर हमारे ये अनर्थ साथ में चलते रहे, तो हम भक्ति में नीचे आ गए। ईर्ष्या, द्वेष, ये हम एक दूसरे से मान प्रतिष्ठा की होड़, है ना, ये इससे क्या है, हम नीचे आते चले जाएंगे। तो हमें क्या है, ये अनर्थों को अपनी बस अनर्थों, हम क्या है, भक्ति की इस सीढ़ी में इसी पर आकर अटक जाते हैं, है ना, इसी पर आके अटक जाते हैं। अगर हम सब लोग अपने अपने सच्चे मन से ये सोचें कि हम किस सीढ़ी पर खड़े हैं, है ना, देखिए जब हमें साधु संघ भी मिल गया, श्रद्धा भी जागृत हो गई, हम सब में श्रद्धा जागृत हो गई, उसके बाद साधु संघ भी मिल गया, हम सबको साधु संघ मिल रहा है, भजन क्रिया भी शुरू हो गई, हम सबकी भजन क्रिया शुरू हो गई, लेकिन फिर अटके कहां, अनर्थ में, है ना, अनर्थों में आके हम अटक गए। तो अगर हमें इस चीज का ज्ञान नहीं होगा, तो हम कैसे उन अनर्थों का निवारण करने के लिए प्रयास करेंगे, है ना, इसलिए इसको समझना जरूरी है, है ना, अनर्थों का निवारण करने का प्रयास करना। कि पूरा दिन मैं अपनी रेगुलर क्लासेस भी सेंटर में जो लेती हूँ, उसमें भी मैं ऑलमोस्ट हर क्लास में ये बोलती हूँ कि हमें पूरा दिन रहने के बाद रात को सोने से पहले एक बार अपनी दिनचर्या की तरफ जरूर नजर मारनी चाहिए कि आज हमने पूरा दिन में क्या क्या किया, आज हमारे पूरे दिन में क्या क्या भाव, क्या किसी के लिए हमारे मन में ऐसा कोई भाव आया, तो उसको हमने हटाने का प्रैक्टिस करनी है, प्रयास करना है। अभ्यासेन तु कौन्तेय, भगवान क्या कहते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च वदति। तो किस चीज का अभ्यास करने के लिए भगवान कह रहे हैं, सिर्फ भजन करने का प्रयास करने के लिए नहीं कह रहे, इन सब चीजों का प्रयास करना, कि किसी के साथ ईर्ष्या नहीं करनी, इस चीज का प्रयास करना है, किसी के साथ द्वेष नहीं करना, इस चीज का प्रयास करना है, हमें अपनी मान प्रतिष्ठा को अपनी भक्ति से ऊपर नहीं रखना, इस चीज का प्रयास करना है, है ना। तो ये सारे प्रयास हमें करने पड़ेंगे। तो जो हमारी भोग वासना है और सब अनर्थों का मूल जड़ क्या है, भोग वासना। अगर किसी भी कारण से हम दुखी हैं, तो इसका अर्थ है कि अभी भोग वासना है। अगर कोई भी चीज हमें दुखी कर रही है, कि किसी भी काम से हमारा मन दुखी हो रहा है, तो इसका मतलब अभी भोग वासना है। महाराज हमेशा कहते हैं कि अपनी सैकड़ों किलो बर्फ जो है अपने सिर पर रख के चले, शांति। तो जब हमारी भोग वासना रहेगी, तो हमारी शांति कभी भी नहीं रहेगी, है ना। भगवान भी कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्वेषु कश्चित् यतति चित्ये यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेति तत्। मनुष्याणाम सहस्वेषु, कि कितने सैकड़ों सैकड़ों मनुष्य जो है वो मेरी राह पर
चलते हैं, मुझे प्राप्त करना चाहते हैं, मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं, मुझसे प्रेम करना चाहते हैं। मनुष्य नाम सहश्चेत रू कश्चित यतति सिद्धे यतताम अपि सिद्धा नाम कश्चित मामेति तत्वा। लेकिन वो कहाँ अटक जाते हैं, मेरी तरफ चलते तो हैं लेकिन रास्ते में उनको कहीं ना कहीं वो अटक जाते हैं। कोई भोग वासना में अटक जाता है, कोई ईर्ष्या द्वेष में अटक जाता है, कोई मान प्रतिष्ठा में अटक जाता है, कोई किसी में अटक जाता है। ये सारे अनर्थों में हम अटक जाते हैं। बस अनर्थों में ही हम उलझे रहते हैं, उसी में ही हमारा काम बिगड़ जाता है ना। तो हमें सबको मिलके प्रयास करना चाहिए और इसमें हमें एक दूसरे की मदद भी करनी चाहिए, है ना। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे को समझा सकते हैं, एक दूसरे को गाइड कर सकते हैं। हम लोग मेहरोली में एक प्रोग्राम करते हैं हर निर्जला एकादशी के दिन, कि हम लोग सब लोग दूसरे भक्त को ग्लोरीफाई करते हैं, हर भक्त दूसरे भक्त को ग्लोरीफाई करेगा। ये हम एवरी निर्जला एकादशी के दिन ये वो करते हैं। फिर उससे क्या है, हम पूरा साल ये सोचते रहते हैं कि हाँ अगली बार ये प्रोग्राम होगा ना तो मैंने इस भक्त को ऐसे ग्लोरीफाई करना है। तो हमारा जो माइंड बुद्धि जो है ना वो ग्लोरिफिकेशन में लगा रहता है कि कैसे मैं किस भक्त को ग्लोरीफाई करूं। तो कमियां ढूंढ, हालांकि उसके बाद भी होती हैं, ये मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा निल हो गया ये चीज, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बुद्धि हमारी इन चीज में डाइवर्ट हो जाती है। और माता जी ने ही बताया, कल क्लास में ही मैंने सुना कि इस अनर्थ निवृत्ति का निवारण कैसे हो सकता है। अगर हमारा लक्ष्य स्थिर है और हम उस पर केंद्रित हैं तो अनर्थ का इफेक्ट नहीं होता। अगर हमारा लक्ष्य क्या है, स्थिर है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। हर क्लास में हम रटते भी हैं और रटवाते भी हैं, लेकिन फिर भी हमारी कथनी और करनी में अंतर आ जाता है। हमारा लक्ष्य क्या है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। जो भी काम करें हमें अपने लक्ष्य को याद करना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। और हमने ये उससे जो ईर्ष्या की, हमने जो उससे ये द्वेष किया, हमने जो उसके लिए अपशब्द बोले, क्या ये भगवान इससे प्रसन्न होंगे, है ना। जब भी मन में किसी के लिए द्वेष आए, जब भी मन में किसी के लिए ईर्ष्या आए, या किसी के लिए हमने अपशब्द बोले, या किसी ने हमारे लिए बोले, जब कोई हमारे लिए भी अपशब्द बोलता है तो हम कितने क्रोधित हो जाते हैं अगर हमें पता चलता है तो, है ना। हमें कितना गुस्सा आने लगता है, क्यों गुस्सा आने लगता है, क्यों क्रोध आने लगता है, क्योंकि अभी हमारी अनर्थों की निवृत्ति नहीं हुई है, है ना। तो अगर हम अपना उद्देश्य पे स्टिक रहेंगे, अपना लक्ष्य जो है पूर्ण अपने लक्ष्य पे स्थिर रहेंगे, तो हमें ऐसी प्रॉब्लम्स को हमें, हम बार बार कोई भी काम करेंगे तो हमें ये याद रहेगा कि कैसे हम, हमारा लक्ष्य क्या है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। तो क्या हम ऐसा करने से हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, प्रेम कब प्राप्त होगा, किसी का भी प्रेम कैसे प्राप्त होता है, जब वो प्रसन्न होता है हमसे तो हम, किसी का भी प्रेम हो, पति हमसे प्रसन्न है तो हम उसका प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, बच्चे प्रसन्न है तो बच्चों का भी प्रेम हम तभी प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान अगर प्रसन्न होंगे या गुरु अगर प्रसन्न होंगे तभी हम उनका प्रेम प्राप्त कर पाएंगे। तो क्या हमारा ऐसे ईर्ष्या द्वेष करने से क्या गुरु प्रसन्न होंगे, क्या भगवान प्रसन्न होंगे, तो फिर हम उनका प्रेम कैसे प्राप्त करेंगे। ये हमें अपने लक्ष्य से डगमगा देगा, हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। एक बार भक्ति की दादा के पास एक शिष्य गया और उसने बोला कि ए डिवोटी है ना, ए वर्क करता है, ए करता है, बहुत सारे कमरे। भक्ति की दादा ने बोला कि वो कुछ तो अच्छा करता होगा, वो आप सोचो। तो उन्होंने बोला कि वो कीर्तन बहुत अच्छा करता है। तो उन्होंने बोला कि आप उनके पास से कीर्तन करना सीखो, उनके साथ कीर्तन करो, कि दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। हमें दूसरों के गुणों की तरफ देखना चाहिए, माता जी ने जैसे बताया, तो गुणों की तरफ जब हम देखेंगे तो हमारा उसकी तरफ अटैचमेंट, हमारा उसकी तरफ इंटीमेसी बढ़ने लगेगी। और अगर हम नेगेटिव हम देखना शुरू कर देंगे तो अपने आप हमारे मन में द्वेष आने शुरू हो जाएंगे। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आगे नहीं बढ़ सकते, जब तक द्वेष होगा तब तक हम आगे, तभी तो कह रही हूँ हम इसी स्टेप पर अटके रह जाते हैं, अनर्थ निवृत्ति के स्टेप पर ही हम अटके रह जाते हैं, है ना। और अगला जो है
वो निष्ठा। बस एक बार इस सीढ़ी को क्रॉस कर लें, उसके बाद पहले वैष्णो देवी जाते थे ना, मैं भी माँ की बहुत एक अच्छी भक्त थी, तो वैष्णो देवी जब अर्धकुंवारी आती थी तो लगता था बस अब निकल गया, हाथी मत्था आया उस लग गया अब तो बिल्कुल निकल गया, तो अनर्थ निवृत्ति हुई तो समझ लो अब आप निकल गए, अनर्थ निवृत्ति हो गई तो निष्ठा अपने आप बन ही जाएगी, फिर रुचि अपने आप जागृत हो ही जाएगी, है ना। तो अनर्थ निवृत्ति को क्रॉस करना एक ये बहुत बड़ा हर्डल है जिसको हमें क्रॉस करना है, और हम सब लोग इसके लिए एक दूसरे की मदद हमें करनी चाहिए। अगर हमारे मदद हम तब कर पाएंगे जब एक्चुअली हमें कौन जानता है, या तो हम जानते हैं या गुरु जानते हैं या हमारे भगवान जानते हैं, इसके अलावा कोई नहीं जानता। मेरे मन में अगर द्वेष आ रहा है तो आपको नहीं पता मेरे मन में द्वेष आ रहा है, तो अगर मुझे अपनी कमी नहीं पता चलेगी तो मैं अपनी कमी को कभी दूर नहीं कर सकती। अगर मेरे मन में ये द्वेष आ रहा है उसे मुझको शेयर करना चाहिए दूसरे के साथ कि मैं नहीं चाहती मेरे मन में ये द्वेष आए, फिर भी ये मन में द्वेष आ रहा है तो मुझे मेरी मदद करो। गुरु महाराज से शेयर कर सकते हैं, अपने सीनियर वैष्णव भक्तों से शेयर कर सकते हैं कि मैं नहीं चाहती हूं कि मेरे साथ ऐसा हो, लेकिन फिर भी ये आ रहा है, मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो आप मुझे मेरे गाइड कीजिए कि मैं इसको कैसे दूर करूं। कहते हैं कि हम जब किसी का फेस देखते हैं ना, ऐसे करते हैं ना, तो तीन फिंगर हमारे तो कई बार हम जो फेस देखते हैं ना वो हमारे में होता है, इसलिए हम दूसरे में देखते हैं। तो हमें याद रखना चाहिए कि कभी भी किसी के पास बेस आए तो हमें देखना चाहिए हमें सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए, तीन फिंगर हमें बता रहे हैं कि आप तो ये हमें जरूर सोचना चाहिए कि अगर किसी के बारे में जो सोच रहे हैं इसका मतलब क्या है, उसका तीन गुना हमारे अंदर है, तीन उंगली हमारी तरफ आ रही है तो दैट मीन्स उसका थ्री टाइम्स हमारे अंदर है वो भाव, है ना। तो ये जरूर मैंने बहुत अच्छा बताया कि उसके थ्री टाइम्स हमारे तरफ, तीन उंगली हमारी तरफ आ रही है, उनकी तरफ तो एक उंगली है, तो इसका थ्री टाइम्स हमारे अंदर है, है ना। तो उसके बाद निष्ठा, तो निष्ठा तो ऐसा है कि अनर्थ निवृत्ति हो गई, तो निष्ठा क्या है कि पूर्ण विश्वास से भक्ति के साधनों को अपनाना बिना मान की इच्छा किए। निष्ठा भी क्या है, पूर्ण विश्वास के से भक्ति के साधनों को अपनाना। मैंने एक एक लाइन जो जिस थी वो लिया है कि पूर्ण विश्वास से भक्ति के साधनों को अपनाना बिना मान की इच्छा किए, सबको क्षमा करते हुए मैत्री व दया भाव रखते हुए। मुश्किल काम है थोड़ा सा, है ना, है ना। पूर्ण विश्वास से भक्ति के साधनों को अपनाना बिना मान की इच्छा किए, हम तो मान की इच्छा सबसे पहले करते हैं कि मैं लीडर हूं, मेरा मेरे सब मान करें, तो बिना मान की इच्छा किए सबको क्षमा करते हुए, जिसकी कोई भी अगर मान लो कोई गलती हो भी गई किसी से, सो सबको क्षमा करते हुए मैत्री भाव से। कल प्रभु जी बता रहे थे ना कि उस चैतन्य देव प्रभु बता रहे थे कि दो मित्र अवश्य होने चाहिए, सच में सबसे मैत्री भाव, चाहे हम जो हम जिनके साथ हम रह रहे हैं तो उनके साथ अगर हमारा मैत्री भाव होगा तो ना उनको कोई प्रॉब्लम होगी ना हमारे, देखो दोस्तों में कहां होती है ना, मैत्री भाव रखते हुए और दया भाव रखते हुए, है ना। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है लेकिन इसके लिए हमें परिश्रम करना पड़ेगा, इसके लिए क्या है, परिश्रम करना पड़ेगा, थोड़ा श्रम करना पड़ेगा, है ना। जब हम इसके लिए परिश्रम करेंगे तो क्या होगा, रुचि डेवलप हो जाएगी। जब इस काम के लिए मैत्री भाव डेवलप करने के लिए, क्षमा भाव डेवलप करने के लिए, दया भाव डेवलप करने के लिए जो हमें थोड़ा सा परिश्रम करेंगे तो क्या है, हमारे अंदर रुचि जागृत होने लगेगी साधन करने की। साधन पर पूर्ण विश्वास रखा, दया भाव जागृत किया, मैत्री भाव जागृत किया और बिना मान की इच्छा करते हुए किया, तो हमारे अंदर अपने आप धीरे 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 रुचि जागृत होने लगेगी। इसमें निष्ठा में हमें परिश्रम करना पड़ा, तो प्रेष्ठ प्रभु कल क्या बता रहे थे कि रुचि जो है वो बिना परिश्रम के अपने आप, रुचि क्या है, बिना परिश्रम के अपने आप साधन होता चला जाएगा।
इसमें हमें परिश्रम करना पड़ेगा। निष्ठा की स्टेज क्या है, हमें परिश्रम करना पड़ा साधन के लिए, उस पर पूर्ण विश्वास रखते हुए, मैत्री भाव डेवलप करते हुए, दया भाव डेवलप करते हुए और मान की प्रति इच्छा ना करते हुए थोड़ा सा हमें परिश्रम करना पड़ा। लेकिन जब हम रुचि की स्टेज पर पहुंचे तो हमें परिश्रम नहीं करना पड़ा, फिर हमारी अपने आप रुचि जागृत हो गई कि हमें हम भजन क्रिया में इतने लग गए कि हमारी अपने आप बिना निर्बाध रूप से वो भजन चलता चला गया। तो रुचि में परिश्रम क्या है, शून्य हो जाता है। परिश्रम कल बता रहे थे कि रुचि में क्या है, परिश्रम जो है वो शून्य हो जाता है। रुचि स्वयं कार्य करती है, जब हम निष्ठा के स्तर पर आकर भगवान की सेवा करते हैं तो रुचि बन जाती है। जब हम निष्ठा के स्तर पर आकर कार्य करते हैं, निष्ठा के स्तर पर हमें क्या क्या कार्य करने को मिला है, ये निष्ठा के स्तर पर क्या है, होमवर्क बहुत है। क्या होमवर्क है, क्या करना है, पूर्ण विश्वास से भक्ति के साधनों को अपनाना। दूसरा क्या है, बिना मान की इच्छा के। तीसरा क्या है, सबको क्षमा करते हुए। चौथा क्या है, मैत्री भाव। और पांचवा क्या है, दया भाव। निष्ठा के भाव पे हमें ये परिश्रम करना पड़ेगा। जब निष्ठा के भाव पे उस पे स्टेप पे हम परिश्रम करेंगे तो अपने आप रुचि डेवलप होने लगेगी, और जब रुचि डेवलप हो जाएगी तो परिश्रम शून्य हो जाएगा। फिर बस रुचि तो अब डेवलप हो ही गई, फिर आप देखिए हमें ये बच्चे लोग मृदंग बजाते हैं तो कैसे लगता है, कैसे बजाते होंगे पूरा दिन और कैसे इतना एनर्जी लगती है और कितना, लेकिन मैं देखती हूँ कि ऐसे ही बिना परिश्रम किए बजाते चले जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि इसमें बड़ी परिश्रम करना पड़ता होगा, लेकिन उनकी क्योंकि रुचि डेवलप हो चुकी है उनको कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा। हम लोग माताजी से लोग घर में कुकिंग करती हैं तो अगर 50 लोगों का भी प्रसाद बनाना है तो ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा क्योंकि रुचि उसमें डेवलप हो चुकी है। जब रुचि एक बार डेवलप हो जाती है तो उसमें परिश्रम नहीं लगता। जब तक रुचि नहीं डेवलप होती, जब तक हम सीखने की स्टेज में होते हैं तब तक हमें परिश्रम। तो निष्ठा का स्टेप क्या है, अभी हम उसमें सीखने की स्टेज में हैं, अभी हम मेहनत हमें उसमें करनी है। तो रुचि में परिश्रम शून्य हो जाता है, रुचि स्वयं कार्य करती है, और जब हम निष्ठा के स्तर पर आकर भगवान की सेवा करने लगते हैं तो रुचि अपने आप, रुचि स्वयं कार्य करती है, रुचि में हमें कुछ कार्य ऐसा करना नहीं पड़ता। और उसके बाद सातवीं स्टेज क्या है, आसक्ति। और रुचि जब प्रवीण होकर भजनीय श्री कृष्ण श्री भगवान को ही विषय बनाती है तब उसे आसक्ति कहते हैं। रुचि क्या है, जब प्रवीण हो जाती है, पूरी प्रगाढ़ हो जाती है, तो अब हमारी माता जी इसकी रुचि क्या है, कुकिंग में रुचि है ना। रुचि जब प्रवीण हो गई तो उसको क्या है, केंद्र बिंदु किसको बना, भजनीय श्री भगवान को ही केंद्र बिंदु बना दिया कि मुझे कुकिंग में इंटरेस्ट है तो मैं भगवान के लिए प्रसाद बनाऊंगी, मुझे स्टिचिंग में इंटरेस्ट है तो मैं भगवान की पोशाक बनाऊंगी, है ना। तो रुचि जब प्रवीण हो गई और हमने केंद्र बिंदु भजनीय श्री भगवान को बना दिया तो क्या हो गया, आसक्ति डेवलप हो गई। भगवान के लिए प्रसाद बनाने में भी भगवान के साथ आसक्ति हो गई, भगवान के लिए ड्रेस बनाने में भगवान के साथ आसक्ति होने लगी, है ना, भगवान की ज्वेलरी बनाने में भगवान के साथ आसक्ति। तो रुचि डेवलप हुई तो भगवान, या भजन के लिए इवन किसी की भजन में भी रुचि, किसी का नाम जप में रुचि अगर डेवलप हो गई किसी की, है ना, किसी को भजन करना अच्छा लगता है, ये सब काम डीटी वर्शिप अच्छा नहीं लगता, सिर्फ नाम जप अच्छा लगता है, नाम जप में रुचि जागृत हो गई तो भगवान के साथ आसक्ति अपने आप डेवलप हो गई, है ना। तो रुचि से आसक्ति के स्टेज पर पहुंच रहा, रुचि जब प्रवीण होकर भजनीय श्री भगवान को ही विषय बनाती है तब उसे आसक्ति कहते हैं। यही आसक्ति जब परिपक्व अवस्था तक पहुंचती है तो क्या आता है, भाव धारण आ जाता है। यही आसक्ति जब परिपक्व अवस्था तक पहुंच जाती है तो भाव नाम धारण कर लेता है, यानी कि भाव क्या है, आसक्ति की परिपक्व अवस्था। जब आसक्ति पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाती है तो भाव डेवलप हो जाता है। और आम जीवन में अगर हम किसी के साथ फ्रेंडशिप भी करते हैं, मान लीजिए हम स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में या कहीं भी हमारी किसी से फ्रेंडशिप डेवलप होती है तो हमें तो धीरे धीरे पहले क्या हुआ, हमें उनसे बात करनी शुरू की, फिर धीरे धीरे हमें कभी कभी वो जैसे रोज हमसे मिलने लगे, है ना, मिलने लगे, हमारे विचार और उनके विचार
मिलने लगे, तो हमारी उनके साथ जो है उनके हम रुचि डेवलप हो गई, उनके साथ रुचि डेवलप हो गई कि उनकी बातें हमें अच्छी लगने लगी, हमारी बातें उनको शायद अच्छी लगने लगी, तो हमारी एक दूसरे में रुचि डेवलप हो गई और वही रुचि क्या है आसक्ति का नाम लेने लगी। फिर वो जब नहीं मिलते तो हमें अच्छा नहीं लगता कि आज मिले नहीं वो, है ना, मिले ना तुम तो हम घबराए, मिले तो आग फिराए, है ना। जब मिलते हैं तो ऐसे ही जब मिलते हैं तो नहीं मिलते तो घबराहट से होने लगती है कि आज मिले नहीं वो, है ना। कोई भी हो, कोई भी फ्रेंड्स हो, तो आसक्ति का नाम लेती है। फिर आसक्ति जब फिर जब वो कभी कभार मिलते हैं तो भी क्या होता है, आंसू आने लगते हैं। मान लो बहुत दिन तक नहीं मिले और जब मिले तो आंसू आए, और जब नहीं मिले तो भी आंसू आए, नहीं मिल रहे तो भी अश्रुपात हो रहा है, और मिल रहे हैं तो भी अश्रुपात हो, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं तो भी अश्रुपात हो रहा है, तो क्या है, ये भाव आने लगा, है ना। जब आसक्ति हुई तो फिर भाव आने लगा। तो भाव क्या है, आसक्ति की परिपक्व अवस्था जो है वो भाव है। तो भाव जो है, मुझे लगता है कि भक्ति की शुरुआत भाव है। भक्ति का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो भाव है, क्योंकि हम कहते हैं ना भगवान तो भाव के भूखे हैं, शुरू से ही हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि भगवान तो भाव के भूखे हैं। जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो क्या भगवान थाली में से कुछ खाते हैं, है ना, क्या खाते हैं, भाव खाते हैं भगवान, क्या खाते हैं, भाव खाते हैं, है ना। भगवान उसमें से भाव को खा लेते हैं कि आपने जिस भाव से भगवान को भोजन ऑफर किया है भगवान उस भाव को खा लेते हैं, है ना। तो भगवान उसी से ही संतुष्ट हो जाते हैं, है ना। आपका भाव कैसा था, तो हम कहते हैं ना भाव से लगाओ, भाव से भोजन बनाओ, भाव से ये करो। तो भाव जो है ये बहुत, मैं बच्चों को, बच्चे मेरे छोटे थे तो मैं उनको पढ़ाया करती थी, तो उनकी बुक में एक स्टोरी थी बहुत सुंदर, मुझे अभी भी याद आती है, कि एक लेबर था, मतलब मजदूर था, मजदूरी करता था, तो वो रोज मजदूर अपनी डेली की जो उसका मजदूरी खत्म होती थी शाम को, तो वो पार पड़ोस के मंदिर में आरती पे, उसी वही समय होता था कि मजदूरी उसका जो दिहाड़ी थी वो खत्म होती थी और उसी समय वो आरती का टाइम होता था, तो वो रोज आरती पे जाया करता था। तो रोज का उसका नियम था कि अपना काम खत्म किया और आरती पे चला गया, और एक दिन वो थोड़ा सा अपने काम में थोड़ा सा लेट हो गया और आरती भागता भागता, हालांकि गया मंदिर में कि आरती मिल जाएगी, लेकिन जैसे ही वो मंदिर में गया तो पुजारी जी आरती करके आरती बाहर लेकर आ रहे थे, तो उसने उसको लगा कि हाँ आरती खत्म हो गई, तो उसने जैसे ही पुजारी जी को देखा कि वो आरती लेके बाहर आ गए हैं, तो उसने क्या किया, ठंडा सांस लिया, दुख मन में उसके एक दुख सा हो गया कि आज मैं आरती पे नहीं पहुंच पाया। तो पुजारी जी को बोला, पुजारी जी आज मैं आरती पे नहीं पहुंच पाया। तो पुजारी जी कहने लगे, जो तुमने ये ठंडा सांस लिया ना वो मुझे दे दो, और ये जो ये मैंने आरती की ना उसका फल तुम ले लो, ये जो तुमने आह भरी इसका फल मुझे दे दो बस, और ये जो तुमने आरती मैंने की और उसका फल तुम ले लो। पुजारी जी ऐसे कैसे, बोले हाँ, तो उस बोला ठीक है, डील हो गई। तो जब रात को गया घर में सोने लगा, भगवान सपने में आए, भगवान कहते हैं कैसी डील कर दी तूने, मैं कोई आरती का नहीं हूं, मैं तो तुम्हारे उस भाव का हूं कि तुम किस भाव से मेरे लिए दौड़े चले आते हो, चाहे तुम्हें आरती मिले या ना मिले, है ना, तुम किस भाव से मेरे पास भागे चले आते हो। तो ये भाव की डील कभी मत करना, अपने भाव अपने पास संजो के रखना, है ना। तो भाव ऐसी चीज है, तो बहुत सुंदर इसमें मैंने थोड़ा सा इसी में से ही पढ़ा है, हालांकि जब मैंने ये बुक पहली बार पढ़ी प्रभु जी ने बोला तो मेरे तो सिर के ऊपर से निकल रही थी, इतनी मैं प्रवीण नहीं हूँ ना तो पढ़ने में और ना ही बताने में। पता करना कहते हैं कि जब कोई प्रसाद लेके आता है तो कहते हैं कि इसमें भाव कितना रखा है आपने, तो भाव रखना बहुत जरूरी है हर चीज में। गुरुमा कल भी बता रही थी कि जो सब्जी देखने में अच्छी नहीं थी उसमें भाव सबसे ज्यादा है। पता नहीं है। एक बार देखा था कि महाराज को खाना दिया सामने लाके, तो जो उनका सर्वेंट था ना उसने एक चीज नहीं दी क्योंकि वो देखने में अच्छी नहीं थी, तो फिर जब जाने लगे तो महाराज ने पूछा कि वो वाली चीज आपने मुझे क्यों नहीं दी, तो बोलता है कि मैं देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी इसलिए मैंने आपको नहीं परोसी।
मुझे उसमें तो सबसे ज्यादा भाव था। बिल्कुल, तो भाव जिसमें होगा वही चीज हमें अच्छी लगने लगेगी। एक बार अभी चैतन्य देव प्रभु बता रहे थे कि गुरु महाराज उनके घर गए तो चैतन्य देव प्रभु की वाइफ ने गोभी बनाई, वो गोभी थोड़ी सी सर गई थी, थोड़ी सी जल 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 गई थी, तो लेकिन थोड़ी सी क्रिस्प हो गई थी, तो उन्होंने महाराज को सर्व नहीं करी और दोबारा गोभी बनाई, और दोबारा गोभी बनाई तो वो भी थोड़ी सी जल गई। तो तीसरी बार जब बनाई तो महाराज जी ने खाया और महाराज ने कहा कि श्री चैतन्य देव प्रभु ने बताया महाराज को, महाराज दो बार आया, महाराज क्या बोल रहा हूँ बोला है उन्होंने दी, महाराज की सबसे टेस्टी है और महाराज कहता मुझे अच्छी लगती है हल्की सी, मुझे गोभी खानी। तो वैसे तो गुरु महाराज ने सब कुछ बता ही दिया था भाव के बारे में भी, तो भाव क्या है वो जैसे हमने किया कि भाव जो है आसक्ति की परिपक्व अवस्था है और भाव जो है वो प्रेम की प्रथम अवस्था है, इन दोनों के बीच में है, आसक्ति और प्रेम के बीच में भाव है, आसक्ति की परिपक्व अवस्था भाव है और प्रेम की प्रथम अवस्था जो है वो भाव है। जैसे कि सूर्य जब निकलता है तो सूर्य की पहले क्या होता है, सूर्य की लालिमा आती है, सूर्य बाद में निकलता है, पहले उसके एक गोला सा हमें उस जगह पे जो आकाश है वो थोड़ा थोड़ा रेड रेड दिखने लगेगा, उसके बाद सूर्य निकलता है, तो वो सूर्य की लालिमा है ना। भाव क्या है, वो सूर्य की लालिमा है। तो भाव जो है बहुत सुंदर चीज है कि भाव को ही रति भी कहते हैं, भाव और रति में कोई अंतर नहीं है। इसे भक्ति लता का प्रफुल्लित पुष्प कहा जाता है, भक्ति लता का क्या है, प्रफुल्लित पुष्प है भाव। तो गुरु महाराज ने अपने आनंद की ओर बुक में बहुत सुंदर भाव के बारे में बताया हुआ है, तो उसमें महाराज ने लिखा है कि भाव जो है वो प्रेम का आभास है। भाव क्या है, प्रेम का आभास है। तो जब हमें प्रेम का आभास भाव आता है तो हमें प्रेम का आभास होने लगता है। तो जिसके हृदय में भाव पैदा हो जाता है उनके लक्षण जो है वो इसमें भी दिए हुए हैं माधुर्य कादंबरी में भी, और लेकिन भक्ति रसामृत सिंधु में बहुत सुंदर तरीके से उसके लक्षण दिए हुए हैं। बहुत पहले मैंने भक्ति रसामृत सिंधु पूरी पढ़ी थी, उसके बाद मैंने बहुत सालों बाद अब पढ़ी है तो मुझे बहुत अच्छा लगा फिर से। तो महाराज ने हालांकि उसके लक्षण हमें बताए हैं, परसों भी बताए थे, लेकिन थोड़ा सा हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। जब कृष्ण के लिए भाव रूपी बीज का अंकुरण होता है तब मनुष्य के स्वभाव में 9 लक्षण पैदा होते हैं। एक्चुअली जो लक्षण होते हैं ना वही हमें काम करने होते हैं। जैसे भक्ति के लक्षण क्या है, शरणागति के लक्षण क्या है, अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षिष्य तीति विश्वासो गोपत्रित्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। ये क्या है, शरणागति के 6 लक्षण है। लेकिन अगर कोई भक्त शरणागत नहीं है, वो शरणागत होना चाहता है, तो उसके लिए ये स्टेप्स हैं, उसके लिए ये प्रोसीजर है। क्या करना है कि भक्ति की अनुकूल चीजों को एडॉप्ट करना है, प्रतिकूल चीजों को छोड़ना है, रक्षित से ये पूरा विश्वास होना चाहिए कि भगवान ही हमारे रक्षक हैं, भगवान ही हमारे पालन करता है, तो इस आत्मनिक्षेप पूरी विनम्रता होनी चाहिए, इसी से ही हम क्या है शरणागत हो सकेंगे। तो ऐसे ही जो भक्त इसके लक्षण है, भाव के लक्षण हैं, उन्हीं लक्षणों पर ही हमें काम करना है ना। हमारे अंदर वो लक्षण तो नहीं है लेकिन हमें उन लक्षणों पर काम करना है कि हमें इसके उसको अडॉप्ट करना है। तो सबसे पहला लक्षण जो महाराज ने बताया और भक्ति रसामृत सिंधु में भी दिया हुआ है क्या है, वो शांति। शांति क्या है कि कोई भी बाधा आ जाए हमें दुखी नहीं होना है ना। शांति मीन्स कोई भी बाधा आए या कोई भी दुख आए, कोई बाधा आए, कोई दुख आए, तो वो दुख हमें विचलित ना करे, वो दुख हमें हमें दुखी ना करे, है ना। वो बाधा जो है हमारी भक्ति को निर्विघ्न चलाती रहे, उससे हमारी भक्ति पे कोई इफेक्ट ना आए। जब हम भाव में आ जाते हैं, जब महाप्रभु क्या के श्रीवास आंगन में नृत्य कर रहे थे और उनके पुत्र की जो मृत्यु हो गई अंदर, तो महाप्रभु भाव में हैं, तो श्रीवास ने क्या किया, अपने पुत्र की मृत्यु हो गई है, पत्नी पुत्र की उसका शव को लेके बैठी है, लेकिन वो पत्नी के रोने लगी तो पत्नी के मुंह पे हाथ रख दिया कि नहीं रोना नहीं है, आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए कि कहीं महाप्रभु के भजन में बाधा हो जाए,
है ना। तो भाव की स्थिति क्या है, कितना भी दुख आ जाए वो दुख जो है वो हमें हिला नहीं पाता है ना। जैसे परीक्षित महाराज को ये पता चला कि एक एक सप्ताह में उनको तक्षक आपके काटने से उनकी मृत्यु होने वाली है, लेकिन उन्होंने ये क्या है, हमें पता चले हमारी एक सप्ताह में मृत्यु होने वाली है तो अब भक्ति में आ गए तो अलग बात है, लेकिन अगर एक तो एक सप्ताह पहले ही चले जाएंगे टेंशन से, है ना। तो ये जितना भी दुख आ जाए वो दुख जो है वो परेशान नहीं करता। परीक्षित महाराज ने उसको एक अपनी अचीवमेंट सी मानी कि उस एक सप्ताह को उन्होंने भागवत श्रवण करने में उनको बिताया। तो इस तरीके से पहला लक्षण जो है वो शांति है। ये शांति मीन्स हमें किसी भी दुख से, और हमारे लिए क्या है, ये होमवर्क है। होमवर्क क्या है कि हमें कोई भी दुख आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, हमें उससे दुखी नहीं होना है, उसका इफेक्ट हमारी भक्ति पर नहीं आना चाहिए, है ना। दूसरा लक्षण क्या है कि समय, हाँ, अव्यर्थ, समय को व्यर्थ ना गवाने के प्रति सतर्कता। समय को व्यर्थ ना गवाने के प्रति सतर्कता। हमारा एक एक पल मनुष्य योनि, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि मनुष्य योनि जो है बड़ी दुर्लभ योनि है, बड़ी दुर्लभ योनि है, और अगर हमने इसका एक पल भी वेस्ट कर दिया तो आप ये सोचिए कि ये योनि हमें दोबारा पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी तो हमने उसका कितना समय जो है हमने व्यर्थ, हमें अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है इसके लिए कि हमें एक एक पल जो है अपना इसी भगवान की सेवा में बिताना है, चाहे वो जप करके बिताएं, चाहे कीर्तन करके बिताएं, चाहे सेवा करके बताएं, प्रसाद बना रहे हैं, उनकी डिटी वर्शिप कर रहे हैं, और चाहे हम किसी भी तरीके से उनकी सेवा में लगे हैं, है ना, और चाहे हम अपने बिजनेस पे, अपनी जॉब पे कमाने के लिए जा रहे हैं, तो भी वो सेवा समझ के जाना है कि ये सेवा अगर हम धन लाएंगे तो उसी धन से भगवान की अच्छे से सेवा कर पाएंगे, है ना। तो इस तरीके से हम हर काम को सेवा समझ के बिना एक पल व्यर्थ गवाए हमें उसको करना है। और तीसरा विरक्ति, वे सारे भौतिक आकर्षणों से विमुख रहता है। तेरे सामने सिंधु में बहुत सुंदर विरक्ति के बारे में दो लाइनें लिखी हुई थी कि इंद्रियां सदैव इंद्रिय भोग चाहती हैं, किंतु जब भक्त में कृष्ण के लिए भावमय प्रेम विकसित हो जाता है तो उसकी इंद्रियां भौतिक इच्छाओं के प्रति आकृष्ट नहीं होती। इंद्रियां तो हमेशा इंद्रिय भोग चाहती ही हैं, ये तो इंद्रियों का काम ही है, क्या है, इंद्रिय भोग चाहना। किंतु जब भक्त में कृष्ण के लिए भावमय प्रेम विकसित हो जाता है, जब भक्त में प्रेम, भावमय प्रेम विकसित हो जाता है तो उसकी इंद्रियां भौतिक इच्छाओं के प्रति आकृष्ट नहीं होती। मन की यह स्थिति जो है वो क्या है, विरक्ति कहलाती है। जब हमारी इंद्रियां भोग वासनाओं को करना छोड़कर, भौतिक भोगों को करना छोड़कर, हमारी इंद्रियां क्या है, कृष्ण की सेवा में लग जाती हैं। आत्म इंद्रिय प्रीति वाचा धरे प्रेम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम, है ना। तो जब हमारी इंद्रियां, हमारी इंद्रियों से जब हम इंद्रियों के स्वामी की सेवा करने लग जाते हैं तो उसमें अपने आप विरक्ति आ जाती है। तो ये हमें ये काम, ये क्या है, भाव का लक्षण है, तीसरा लक्षण है, लेकिन हमें इसके ऊपर काम करना है कि अपनी इंद्रियों से, अपनी इंद्रियों की सेवा ना करते हुए अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करनी है। और चौथा क्या है, मिथ्या मान का अभिमान, मान शून्यता, मिथ्या मान का अभिमान। जब कोई भक्त शुद्ध साक्षात्कार के समस्त गुणों से समन्वित होकर भी अपने पद का गर्व नहीं करता, है ना, जब कोई भक्त अपने पद का गर्व नहीं करता, मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, मैं बहुत बड़ा भक्त हो गया, मैं इतना बड़ा ऑफिसर हूं, मैं गेस्टेड ऑफिसर हो गया, मैं आईएएस ऑफिसर हो गया, इसका अभिमान ना करते हुए वह निरभिमानी कहलाता है, अर्थात मान शून्यता कहलाता है। इसी में दिया हुआ है नीचे बहुत सुंदर कि भिक्षा मांगने का अर्थ है उन व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले अपमान को सहने के लिए तैयार रहना। जैसे परेश प्रभु कल बता रहे थे कि हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जाते हैं तो कोई 20 रुपए हमारे हाथ में ऐसे भी पकड़ा देता है, तो हमें बुरा नहीं लगता कि उसने क्यों, हम कोई भिखारी है जो हमें दे दिया, हमें लगा हम तो कृष्ण की सेवा करने के लिए आए हैं, ठीक है ये भी दे दिया तो हम उसको भी कृष्ण की सेवा में डाल देंगे। तो भिक्षा मांगने का अर्थ है उन व्यक्तियों को द्वारा किए जाने वाले अपमान को सहने के लिए
तैयार रहना। जब भी हम तभी जब हमारी दीक्षा होती है तो क्या होता है, भिक्षा मांगने के लिए कहते हैं। किस लिए? मान शून्यता करने के लिए, कि हमारे अंदर जो मान है वो शून्य हो जाए, मान जो है वो समाप्त हो जाए। लेकिन हम उसको एक रिचुअल की तरह करके अपने मान को पूरा मेंटेन करके रखते हैं कि कहीं मान कहीं कम ना हो जाए, है ना। उसको हम एक रिचुअल की तरह ले लेते हैं, हाँ, है ना। तो भिक्षा, अब मान को सहने के लिए तैयार रहना जिसके द्वार पर कोई मांगने जाता है, ये स्वाभाविक है। किंतु कृष्ण के लिए ऐसे अपमान सहने पड़ते हैं, कृष्ण के लिए ऐसे अपमान हमें सहने पड़ते हैं, और हमें सहने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इस चीज की हमें प्रैक्टिस करनी है कि कृष्ण के लिए ऐसे अपमान सहने की भी प्रैक्टिस है। ये भाव का लक्षण, लेकिन हमें इसके ऊपर काम करना है कि हमें ऐसे अपमान सहने की प्रैक्टिस करनी है। कृष्ण का भक्त कृष्ण की सेवा हेतु कोई भी परिस्थिति स्वीकार कर सकता है, कोई भी परिस्थिति स्वीकार कर सकता है। कृष्ण का भक्त कृष्ण की सेवा हेतु कोई भी परिस्थिति स्वीकार कर सकता है। ये भक्ति रसामृत सिंधु में साफ प्रबंध बहुत सुंदर सरल भाषा में हमारे लिए परोस के रखा है सबके लिए, है ना। बस हम उठा के खाते ही नहीं है, हम चाहते हैं कि खिला भी दें। वो पांचवा लक्षण जो है वो आशाबद्ध है ना, आशाबद्ध। आशाबद्ध मीन्स उसे विश्वास रहता है कि कृष्ण उस पर सदैव दयालु है, कृष्ण उस पर सदैव दयालु, कृष्ण उस पर कृपा करेंगे ही। जब मुझे गुरु मिल गए, कृष्ण मिल गए, तो कृष्ण समझ में आने लगे, अनन्यता आ गई तो कृष्ण अवश्य कृपा करेंगे। इस चीज की आशा हमें होनी चाहिए कि जब गुरु भी मिल गए, कृष्ण भी मिल गए, और अब कृष्ण में अनन्यता भी आ गई तो कृष्ण भी अवश्य मिलेंगे। इस चीज की आशा रखना। कई बार हमारे मन में शंका, शुरू शुरू में जब मैं नई नई जुड़ी थी तो मैं चैतन्य प्रभु के पास जाया करती थी उस समय, तो मैं उनको मैंने एक बार बोला कि प्रभु जी मुझे इस चीज का बहुत डर है कि जब मैं मर जाऊंगी तो मुझे दोबारा भक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी। मुझे इस चीज का बहुत भय रहता था उस समय कि ठीक है भक्ति जितनी स्पीड से चले चले, लेकिन जब मैं मर जाऊंगी तो मरने के बाद क्या गारंटी है कि मुझे फिर से कृष्ण भक्ति मिल जाए। तो प्रभु जी कहने लगे नहीं, ये तो इसका मतलब है तुम्हारा विश्वास जो है वो कमजोर है, है ना। तो विश्वास हमें पूरा रखना है, आशा रखनी है कि जब हम भक्ति की पथ पर चल रहे हैं, गुरु महाराज का हाथ हमारे सिर पर है, तो हमें चाहे हम इस जन्म में ना भी निकल पाए तो जितने परसेंट पे, भगवद गीता में तो बताते हैं कि है ना, जितने परसेंट पे भक्ति हमारी खत्म होती है उतने अगले जन्म में उतनी अगले ही परसेंटेज से शुरू होती है, है ना। उसके बाद समउत्कंठा मीन्स उत्सुकता, भक्ति में उत्सुकता, उत्साह, भक्ति में सफलता प्राप्त करने के लिए उत्साह का होना बहुत जरूरी है। ये भी उसका एक लक्षण है और हमें उस पर काम, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्मा प्रवर्तना, है ना। तो इस तरीके से हमें इस पे काम करना है। और सातवां लक्षण, भगवान का पवित्र नाम का कीर्तन करने के लिए रुचि, नाम गाने सदा रुचि, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने के लिए रुचि, उसमें रुचि जागृत करना, है ना। ये उसका लक्षण है, किसका लक्षण है, भाव का। लेकिन हमें क्या करना है, काम करना है इसके ऊपर। ये सारे होमवर्क है हमारे लिए, हमें इसके ऊपर काम करना है, है ना। क्या करना है, हमें नाम में रुचि जागृत करना है, है ना। कहते ना खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है, तो नाम में रुचि जागृत कैसे होगी, नाम लेते रहने से, बार बार लेते रहने से हमें नाम में रुचि जागृत हो जाएगी। और आठवां लक्षण, भगवान के दिव्य गुणों के प्रति अनुरक्ति, भगवान के दिव्य गुणों के प्रति आसक्ति, भगवान की गुणावलियां गाने के लिए सदा उत्सुक रहना है। भगवान की गुणावलियों को गाने के लिए, भगवान की कथाओं को, भगवान की लीलाओं को, तभी नित्यम भागवत सेवा महाराज सुबह भी कह रहे थे अवश्य हमें सुननी चाहिए। उसमें क्या करते हैं हम, कम से कम दिन के दिन का क्या, सुबह का एक घंटा क्या करते हैं, भगवान की गुणावलियों को गाते हैं। भगवान ने ये लीला करी, भगवान ने अगासुर को मारा, बकासुर को मारा, पूतना को मारा, ये सारी गुणावलियां तो है भगवान की। तो भगवान की गुणावलियों को हम सुबह एक घंटा, वो भी सुबह का, है ना, वो भगवान की गुणावलियों को गाने में व्यतीत करते हैं। तो ये क्या है, भाव की एक लक्षण है और हमें इस पे काम करना है। और ये इसका काम तो बहुत आसान है कि जब हम सुबह हम नित्य भागवत सेवा सुनेंगे तो ये काम बहुत आसानी से हो जाएगा। और नौवां क्या है, भगवान के धामों के प्रति स्नेह,
है ना, भगवान के धामों के प्रति हमारा स्नेह होना चाहिए। और स्नेह ना भी हो तो गुरु महाराज हर साल हमें यहाँ कृपा करके यहाँ बुलाते हैं ताकि हमारा स्नेह उत्पन्न हो, है ना, धाम के प्रति हमारा स्नेह। कार्तिक में हम कम से कम 2-3 दिन इस धाम में बिता पाए तो भगवान के धामों के प्रति हमारा स्नेह होना चाहिए। ये हमारे 9 लक्षण हैं। अब हम इसी से माधुर्य कदम्बनी से थोड़ा सा मैंने मार्क किया हुआ है, हम थोड़ा सा पढ़ेंगे जितना मुझे समझ में आया। वो बहुत सुंदर है, थोड़ा सा हमें 2-4 बार इसको पढ़ना पड़ता है तो फिर समझ में आने लगती है। हालांकि बहुत टफ है हिंदी, लेकिन फिर भी समझ में आने लगती है। एक महाराज ने कल बताया था जात्रति भक्त, है ना, जात भक्त, जात भक्त या जात्रति भक्त, क्या बताया था कौन होते हैं? जिस साधक में रति का उदय हो जाता है वो जात भक्त। जिस साधक में रति का उदय हो जाता है। रति प्रेम का पहला सोपान है, रति जो है वो प्रेम, रति या भाव जो है प्रेम का पहला सोपान है। वो चित्त को द्रवित करती है, रति क्या है, भाव जो है वो चित्त को द्रवित करता है। और जिस साधक में रति का उदय हो जाता है वो जात्रति भक्त है, है ना, जिसमें भाव उत्पन्न हो गया वो जात्रति भक्त है। तो बहुत सुंदर इसमें जात्रति भक्त के लिए दिया हुआ, क्योंकि भाव का है कि इस भाव के उदित होने पर जात्रति भक्त को ब्रजराज नंदन श्री कृष्ण के अंगों की श्यामलता, उनके अधर और नेत्रों की अरुणिमा, मुख चंद्र की मृदु मुस्कान की शुभ्रता और उनके वस्त्र भूषण आदि पीत छटा आदि का अनुभव होने लगता है। जब भाव उत्पन्न होता है तो हमें कैसे दिखने लगते हैं, भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं, भगवान भगवान के ये नेत्र कितने सुंदर हैं, भगवान के चरण देखे कितने सुंदर हैं। लेकिन एक आम व्यक्ति से अगर आप पूछो, कभी ध्यान देते हैं कि भगवान ने क्या पहन रखा है क्या? जब भाव उत्पन्न होता है तो हम ये सब इन सब चीजों की तरफ ध्यान देने लगते हैं। बल्कि आम आदमी तो कहता है पागल है। एक 2 लाइनें मुझे भजन की याद आ रही हैं, तो वो सुंदर हो गाते हैं। सिर मोर मुकुट अधिराजे, सिर मोर मुकुट अधिराजे, कर कमलों में कंगना मणि है, कर कमलों में कंगना मणि है, पान पाव पांवों में पैजनिया बाजे, पांवों में पैजनिया बाजे, कानों में कुंडलिया सजत है, कानों में कुंडलिया सजत है, श्याम राधे राधे घन श्याम। तो भक्त क्या है, एक एक चीज में भगवान की दृष्टि होती है। कैसे भगवान ने कानों में पहन रखे हैं, कैसे भगवान ने हाथ में कंगन पहन रखे हैं, कैसे मोर मुकुट सज रहा है, है ना। तो एक ये जब भाव जागृत होता है, ये भाव के लक्षण है। तो इस तरीके से भक्त जो है वो बहुत सुंदर तरीके से ये देखता है। और तब दर्शन करते थे ना, प्रसाद लेने बैठते थे तो क्वेश्चन पूछा जाता था कि आप कृष्णा ने कौन सा साड़ी पहना है, कृष्णा ने मुकुट में क्या लगाया है, सब कुछ कैसा कंगन पहना है। तो फिर जब दर्शन करते हैं तो सारे भक्त अच्छी तरह से दर्शन करते हैं, क्योंकि वो ना क्वेश्चन का आंसर करना स्कूल है, तो जाई बाग में बिल्कुल मंदिर के साथ में एक छोटा सा लिया, तो वहाँ पहले बच्चों को दर्शन कराते हैं, फिर उसके बाद वहाँ ले जाते हैं। और क्योंकि संडे को होता है कस्ट्यूम, फिर उसके बाद पूछते हैं कि टेम्पल में भगवान ने कौन से कलर का वो पहना है और ऐसा मालूम चाहिए। एक बार मैं गया था तो मैंने देखा था। तो इस तरीके से जब भगवान की छटा देखता है तब उसका कंठ अवरुद्ध हो जाता है और नेत्रों से विगलित अजस अश्रुधर द्वारा अपने को अभिषिक्त करता है, है ना। कई भक्त होते हैं जो भगवान को दर्शन करते ही उनकी आंखों में अश्रुधारा बहने लगती है ना। तो वह भक्त श्री कृष्ण की मधुर मुरली ध्वनि, उसके नूपुर आदि की झंकार ध्वनि, उनके मधुर कंठ की सुरीली वाणी और उनके द्वारा उनके श्री चरणों की सेवा का साक्षात आदेश सुनकर अपने को चरितार्थ करने के लिए स्थान स्थान पर प्रदक्षिणा करता है, स्थान स्थान पर प्रदक्षिणा करता है भगवान की, कहीं भगवान की
मुरली ध्वनि सुनाई दे पड़े, कहीं भगवान का कोई चरण चिन्ह दिखाई दे जाए। उसके भाव क्या होते हैं कि कहीं भगवान का कुछ लेश मात्र हमें दिखाई दे। तो जब भाव उत्पन्न होते हैं तो हम इन चीजों को ढूंढते हैं। कभी कान मानो उसका अनुसंधान कर उनको ढूंढने लगता है, कभी कान उठाकर कभी नीचे कर निश्चल होकर खड़ा रहता है, कभी कान उठाकर सुनता है कभी नीचे होकर निश्चल सुनता रहता है। ये भाव भक्त के लक्षण है। कैसे वो, आप देखिए वृंदावन जो नए लोग भक्त आते हैं वो वृंदावन आते हैं क्या आते हैं, टिक्की खाने के लिए, चाट पकौड़ी खाने के लिए, घूमने, ऐसे है ना। जो भक्त आते हैं वो परिक्रमा मार्ग पे यमुना जी के भी दर्शन करेंगे तो क्या है, ऐसे लगेगा भगवान इसमें क्रीड़ा कर रहे हैं, है ना। कभी महसूस हुआ किसी को कि भगवान इसमें क्रीड़ा कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा हमें महसूस अगर नहीं भी हुआ तो हमें जबरदस्ती करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि भगवान इसमें क्रीड़ा की है, भगवान ने कभी, भगवान यहाँ, भगवान के यहाँ चरण पड़े हैं, भगवान के कहीं ना कहीं भगवान के यहाँ पर चरण होंगे। तो ये भाव के लक्षण है। गुरुमा की इच्छा ही इतनी अच्छी अच्छी होती है। तो इस प्रकार कभी ब्रजेंद्र नंदन के कर कमलों का स्पर्श कैसा है उसका मानो अनुभव कर रोमांचित हो उठता है। रोमांचित हो उठता है कि ब्रजेंद्र नंदन के कर कमलों का स्पर्श कैसा है, ये सोच सोच के ही वो रोमांचित हो उठता है। कभी उनके श्री अंग सौरभ को सूंघ कर प्रफुल्ल नासिका द्वारा क्षण क्षण में श्वास लेकर पुलकित होता है। कभी कभी ऐसी सुगंध आने लगेगी कि जैसे भगवान के श्री अंग में से सुगंध आ रही है ना। तो जब हम ये इत्र भगवान को लगाते हैं तो इत्र अपने उसमें भी लगाते हैं ताकि भगवान के अंगों की सुगंध, भगवान के फ्लावर्स की सुगंध या भगवान के अंगों की सुगंध को हम सूंघने का प्रयास करते हैं। हाय श्री श्याम सुंदर की अदर सुधा का आस्वादन करने का क्या कभी मेरा भी सौभाग्य होगा। मतलब समझ में नहीं आती लेकिन समझो तो समझ में आती है कि क्या कभी श्याम सुंदर के अदर सुधा का आस्वादन करने का क्या कभी मेरा भी सौभाग्य होगा, है ना। ऐसा सौभाग्य हमारा भी होगा। गुरु महाराज की कृपा सबके ऊपर, जिसके जिसके ऊपर है सबके सबका होगा, है ना। ऐसा सौभाग्य नहीं, वो तो गुरु महाराज की हेतु की कृपा है बस। तो जातृति साधक श्री कृष्ण के काफी कुछ है, टाइम लग जाएगा, मेरे ध्यान अब इसमें चला गया कि ये प्रसाद के लिए लेट हो रहा है। तो जातृति साधक श्री कृष्ण के रूप, नीचे पहले पैराग्राफ में जातृति साधक श्री कृष्ण के रूप शब्द स्पर्श गंध और रस इन पांच प्रकार के विषयों का मानो साक्षात रूप से आस्वादन प्राप्त होकर ही नाना प्रकार के भाव भूषणों से विभूषित है, है ना। श्री कृष्ण के अंग की श्याम मलिमा, अधर और नेत्र आदि अंगों की अरुणिमा, मंद हास्य की शुभ्रता, वसन भूषण की पीत छटा को मानो वह साक्षात रूप में अनुभव कर रहा हो। मानो वो अनुभव कर रहा है किसको, भगवान के अंग की श्याम लालिमा को, कि भगवान कितने कैसे श्यामल रंग के होंगे, और उनके अधरों को, उनके नेत्रों को, है ना, कैसे नेत्र होंगे, कैसे उनके अधर होंगे, है ना। तो उनके उनके अंगों की अरुणिमा, मंद हास्य की शुभ्रता, मंद हास्य की शुभ्रता, कैसे वो मंद मंद मुस्काते हैं तो क्या दिखते हैं भगवान, है ना, इस चीज को महसूस करना। तो ये जो है वो जातृति भक्त जो है वो इस चीज को महसूस कर पाता है। और वसन भूषण की पीत छटा को मानो वह साक्षात रूप में अनुभव करता है। वसन भूषण की पीत छटा को, है ना, भगवान की पीत छटा को, भगवान ने पीतांबर धारण किया हुआ है, भगवान ने मुरली धारण की हुई है और पीतांबर धारण किया हुआ है, इस मनोहर वेश में सांवरिया मिलियो एक बार, ओढ़ कर काली कमलिया और गलगुंचन का हार, इस सबर मनोहर वेश में सांवरिया मिलियो एक बार, है ना। ऐसी इच्छा, ऐसी आशा, तो जो भाव जातृति भक्त है अपने आप उनमें आने लगते हैं। ये भाव का एक लक्षण है।
इस रति की अवस्था में मैंने थोड़ा थोड़ा पमाक किया है, चलिए लास्ट में देखते हैं, बहुत टाइम लग जाएगा। पेज नंबर 275 पे साधन भक्ति दो प्रकार की होती है, राग भक्ति और वैधि भक्ति। महाराज ने कल बताया ही था कि साधन भक्ति जो है वो दो प्रकार की है, राग भक्ति और वैधि भक्ति। और राग भक्ति क्या है, लोभमयी होती है, राग भक्ति लोभमयी होती है, और वैधि भक्ति शास्त्र शासनमयी होती है। बड़ी सुंदर लाइन लगी मुझे, राग भक्ति क्या है, लोभमयी होती है, और लोभ आता जाता है, आता जाता है। जब राग भक्ति होती है तो और लोभ, ये भी कर लूं, ये भी करूं, परिक्रमा भी कर लूं, सेवा भी कर लूं, है ना, और कर लूं, क्या कोई ऐसी चूक हो ना जाए कि जिससे भगवान थोड़े से दूर हो जाए, कोई ऐसी चूक ना हो, जितना हो सके मैं करती। मैं जब माँ की भक्ति करती पूजा करती थी तो मनोधर्म चलाती थी, मैं कभी कोई गुरु तो थे नहीं, मनोधर्म चलाती थी, है ना। तो ये लगता था कि कैसे क्या हो कि मैं माँ के थोड़े से और करीब पहुंच जाऊं, बस ये। कभी भी मैंने सकाम भक्ति शायद मैंने शुरू से ही कभी नहीं की, कभी माँ से कुछ मांगा नहीं, बस ये है कि मैं माँ के कैसे करीब पहुंच जाऊं थोड़ी सी। तो मुझे लगा कि मुझे दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, मैं रोज एक घंटा दुर्गा सप्तशती का पाठ करती थी ऑफिस जाने से पहले। और फिर जब मैं यहाँ से जुड़ी तब नवरात्रों में ही जुड़ी, और फिर यहाँ से 16 माला करने को बोली, 2 घंटे 16 माला करने के लिए लगते थे, पहले दिन से मैंने 16 माला की और 2 घंटे 16 माला करने में, और वो भी अभी छूटा नहीं था, तो 1 घंटा दुर्गा सप्तशती का पाठ करने में, और जोर जोर से करती थी, मेरा गला एकदम बैठ गया नवरात्रों के एंड में तो धीरे 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 सब होता चला गया। और राग भक्ति जो है लोभमयी होती है, और वैधि भक्ति शास्त्र शासनमयी होती है। इसलिए भाव भी दो प्रकार के होते हैं, राग भक्ति से उदित भाव और वैधि भक्ति से उदित भाव। भाव दो प्रकार के होते हैं, राग भक्ति से उदित भाव और वैधि भक्ति से उदित भाव। राग भक्ति से उत्पन्न होने वाला भाव जाति और परिमाण में वैधि भक्ति से उत्पन्न भाव की अपेक्षा अत्यंत श्रेष्ठ होता है। क्या है कि राग भक्ति से उत्पन्न होने वाला भाव जाति और परिमाण में उसकी उसका परिमाण जो है उसकी जो क्वांटिटी है उसमें परिमाण में वैधि भक्ति से उत्पन्न होने वाले भाव से अधिक श्रेष्ठ होता है। यानी कि राग भक्ति का भाव जो है वो वैधि भक्ति के भाव से अधिक श्रेष्ठ होता है। वैधि भक्ति में ईश्वर बुद्धि के कारण भगवान के प्रति गौरव का भाव उत्पन्न होने से आस्वादन निर्बाध रूप से नहीं हो पाता। वैधि भक्ति में क्या है, हम भगवान को भगवान समझते हैं, है ना, तो भगवान के लिए गौरव जो है, गौरव क्या लिखा है, गौरव का भाव उत्पन्न होने से आस्वादन जो है वो निर्बाध रूप से नहीं हो पाता, है ना। उसमें क्या है, नियम आ जाते हैं बीच में, बीच में नियम आ जाते हैं। जैसे कि भगवान ने चरण रज मांगी तो क्या है, सब भक्तों ने, इवन रानियों ने भी मना कर दिया कि नहीं नहीं हम कोई भगवान को अपनी चरण रज दे सकते हैं, हम भगवान को अपनी रज कह सकते, क्या आ गया, उसमें नियम आ गए बीच में। वो तो भक्ति क्या है, निर्बाध रूप से नहीं हो पाती। लेकिन वैधि भक्ति में क्या है, तो सॉरी रागानुगा भक्ति में क्या है, वैधि भक्ति में ईश्वर बुद्धि के कारण भगवान के प्रति गौरव का भाव उत्पन्न होने से आस्वादन निर्बाध रूप से नहीं हो पाता। ऐसे भक्तों की श्री हरि में जो ममता होती है वह ऐश्वर्य ज्ञान के द्वारा विद होती है, भगवान को ऐश्वर्य रूप में वो जानते हैं। तो लेकिन तो फिर वो ऐसा करने लगे तो 12:30 बजने लगा, और वो बच्चों के साथ खेलते भी थे भगवान। फिर भगवान उनके स्वप्न में आए और बोले कि ये तुमने क्या कर दिया, अभी तो मुझे 12:30 बजे मिले, तो टाइम पे मिल जाती थी। तो उनमें लाला लगा भाव था। तो राग भक्ति में ईश्वर ज्ञान का उदय नहीं होने से श्री कृष्ण के प्रति संभ्रम गौरव रहित मेरा पुत्र, मेरा सखा, मेरे प्राणपति, इस प्रकार का लौकिक बंधुवत भाव होने के कारण माधुर्यास्वादन निर्बाध गति से होता है।
कि राग उसमें क्या होता है रागनुगा भक्ति में कि ये मेरा पुत्र है, मेरा पति है ना, तो उससे हमारा भाव जो है वो फिर निर्बाध रूप से जो हमारी भक्ति है वो चलती रहती है। उसमें कोई नियम, जैसे गुरुमा बता रही हैं कि कोई नियम उसमें बाधा, निर्बाध रूप मीन्स मीन कोई नियम भी उसमें बाधा नहीं बनते। और इस प्रकार का लौकिक बंधुवत भाव होने के कारण माधुर्य स्वादन निर्बाध गति से हुआ करता है। सेकंड पैराग्राफ में वैधी भक्ति जनित भाव प्रगाढ़ नहीं होता, वैधी भक्ति भाव प्रगाढ़ नहीं होता क्योंकि इसकी प्रकृति है शास्त्र भय से भजन में प्रवृत्ति और ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित प्रेम। वैधी भक्ति में भाव प्रगाढ़ नहीं होता क्योंकि इसकी प्रकृति है शास्त्र भय से भजन में प्रवृत्ति, शास्त्र भय से भजन में प्रवृत्ति, शास्त्रों के भय से हम भजन करते हैं, और ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित प्रेम। प्रेम क्या है? ऐश्वर्य, भगवान जो है ऐश्वर्यशाली हैं, इसलिए भगवान से हम प्रेम कर रहे हैं। इसमें श्री भगवान के प्रति ऐश्वर्य ज्ञान हेतु शिथिलता युक्त ममता होती है, इसमें सदा संकोच बना रहता है और शास्त्र के विधि विधान की सदा अपेक्षा रहती है। अतः श्री भगवान ऐसी वैधी भक्ति से कभी वशीभूत नहीं होते, श्री भगवान कभी ऐसी वैधी भक्ति से कभी वशीभूत नहीं होते। वैधी भक्ति के द्वारा श्री कृष्ण की प्राप्ति के प्रमाण भी शास्त्रों में विरले ही मिले हैं, कि वैधी भक्ति से श्री कृष्ण की प्राप्ति के प्रमाण शास्त्रों में बहुत विरले ही मिले हैं। अतः इस वैधी भक्ति जनित भाव में प्रगाढ़ता नहीं मानी जाती है। ये विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर तो उनका कहना तो यही है। यस माता जी, जैसे वैधी भक्ति में आपने बताया, लेकिन इससे ये तो हम जैसे हम लोग ये जो सिस्टम है हमारा, तो इससे तो कई लोग डिस्करेज भी हो सकते हैं, क्यों ना हम भाव की रागानुगा भक्ति करें क्योंकि वैधी भक्ति में भाव प्रकट नहीं होते। तो कोई हम तो ये समझ रहे हैं कि ठीक है क्योंकि प्राइमरी स्टेजेस पे यही, क्योंकि आर्टिफिशियली कर नहीं सकते, लेकिन लोग इनको पढ़ के क्या समझ सकते हैं कि हम वैधी भक्ति ना करके सीधा रागानुगा चले जाए? तो इसलिए तो प्रभु जी ये बुक्स ऐसे लोगों के लिए नहीं है ना जिन्होंने अभी साधन भक्ति नहीं की। हमने आज तक पढ़ी ये बुक, हम में अभी साधन की स्टेज में है तो भी हम इस बुक को नहीं पढ़ पा रहे ना। ये बुक्स है ही उनके लिए जो साधन करते करते भाव तक पहुंच रहे हैं, अदरवाइज कौन पढ़ रहा है इन बुक्स को, उन बुक्स को जो साथ में इसमें तो। यस, मध्यता भाव और तदीयता भाव। यस, तदीयता भाव और मध्यता भाव में भी दोनों में ये अंतर है। तदीयता भाव क्या है कि मैं कृष्ण का हूं, और मध्यता भाव क्या है कृष्ण मेरे हैं। दोनों में अंतर यह है कि तदीयता भाव में हम कहीं ना कहीं अपना सारा भार भगवान के ऊपर डाल रहे हैं, है ना। अब ठीक, बहुत सुंदर भाव है ये कि अब तो आप ही सब पूर्ण समर्पण है ना, वो पूर्ण समर्पण का भाव है। मध्यता भाव में क्या है, कृष्ण की प्रसन्नता कि, है ना, कृष्ण की प्रसन्नता कि जो आप मेरे हो, मुझे जो करना है आपकी प्रसन्नता के लिए। चाहे तद्वेता भाव भी बहुत सुंदर भाव है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है मध्यता भाव जो है वो उससे भी सुंदर है कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सारे कार्य करना। तद्वेता भाव में क्या है कि हम भगवान के ऊपर समर्पित तो है लेकिन उनकी प्रसन्नता के लिए हम इतना नहीं वरीड होते। आई वाज जस्ट सैडिंग कि मैंने भक्ति रसायन सिंधु के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि जब वैधी भक्ति करते हैं तो उसको करते 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 जब गुरु के आदेश अनुसार हम करते रहते हैं तब हम रागानुगा में अपने आप ही चले अपने आप चले जाते हैं। उसमें आपको आर्टिफिशियली जाने की जरूरत, आर्टिफिशियली जाने की जरूरत नहीं है। जो आर्टिफिशियली जा रहे हैं वो फिर रागानुगा भक्ति नहीं है, हाँ वो सहजिया है, वो सहजिया है। बहुत क्लियर नहीं आवाज कम आई, माइक पास शुद्ध भक्ति चिंतामणि है शिवराम महाराज का बुक। तो महाराज ने प्रभु उसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें शिवराम महाराज बताते हैं कि जो हम अल्लाह की फॉलो करते हैं, जो प्रभुपाद ने बोला है, प्रभुपाद की जो बुक्स का विचलन करते हैं या प्रचार करते हैं,
नहीं, ऐसा नहीं है, जो भक्त रागानुगा भक्ति के स्तर पर आ जाता है तो वैदिक भक्ति छोड़ देता है। वैदिक भक्ति साथ साथ चलती रहती है, ऐसा नहीं है। अगर वैदिक भक्ति के माध्यम से हम रागानुगा भक्ति तक पहुंचते हैं तो ऐसा नहीं कि रागानुगा भक्ति पर आकर वैदिक भक्ति छूट जाती है, वो भी चलती रहती है साथ में, लेकिन स्तर थोड़ा सा अलग हो जाता है। महाराज कंफर्म कर लेना चाहिए, राग का भी आनंद आता है। हाँ, साथ में राग का भी आनंद आता है। यस, तो भक्ति मार्ग के अनुसार भक्त भी दो प्रकार के कहे जाते हैं, राग भक्ति मार्ग के अनुयायी और वैदिक भक्ति मार्ग के अनुयायी। दोनों की चित्त वासना पृथक पृथक होती है। राग मार्गीय भक्त चित्त वासना अपने सुख की गंध से रहित होते हैं। राग मार्गीय भक्त की चित्त वासना अपने सुख की गंध से रहित होते हैं। जो रागानुगा भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, जो राग भक्त हैं, उनकी चित्त वासना, उनकी इच्छा क्या होती है कि वो अपने सुख की उनकी इच्छा नहीं होती, अपने सुख की गंध से रहित होती है। वह केवल कृष्ण सुख सुखे तात्पर्यमयी होते हैं। उसका उनकी इच्छा केवल कृष्ण को सुख देने, आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा धारे पली, तो उनकी इच्छा केवल भगवान के सुख की होती है। वो अपने रागानुगा भक्ति की मार्ग पर चलने वाले भक्त की इच्छा अपने सुख की नहीं होती, उनकी इच्छा केवल भगवान को सुख देने के लिए होती है। और वैदिक मार्गीय भक्त के चित्त में स्व सुख की वासना की प्रधानता रहती है, उसमें अपने सुख की प्रधानता रहती है, अपने संसारिक तापों की निवृत्ति अथवा मुक्ति में ही उनकी चित्त वासना का पर्यावस्थन रहता है कि वो अपने कि कुछ अपने भौतिक इच्छाओं की पूर्ति या और कुछ नहीं, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो स्वर्ग की इच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो चलो मुक्ति की इच्छा, मोक्ष की इच्छा, तो उनके उनके लिए वही मुख्य है। इन पृथक पृथक चित्त वासनाओं के अनुसार भाव भी दो प्रकार से स्फुरित होकर पृथक पृथक रूप से आस्वादित होता है। इस तरीके से भक्तों में श्री कृष्ण की सेवा वासना भी अनेक प्रकार की होती है, जो मुख्यतः पांच प्रकार की मानी जाती है, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य। ये तो सब जानते हैं, तो इस ज्यादा लंबा ना करते हुए, प्रसाद के इंतजार ना कराते हुए, मैं यही अपनी वाणी को विराम देती हूँ। यस, गुरु महाराज की श्री प्रपात की। सॉरी, किसी कोई मेरे से गलती हुई हो तो क्षमा कीजिए, मैं इतनी प्रवीण नहीं हूँ कि मैं कुछ ज्यादा सुन पाऊँ, पढ़ पाऊँ। किसी का कोई प्रश्न है तो गुरु महाराज बैठे हैं, बताएंगे। Yes. माता जी, ज्यादातर लोग ना जो अभी गुरु भी नहीं है उनके, और कोई हर बात पे ऐसे दान मांगने जाओ, मतलब किसी के लिए जाओ या प्रसाद के लिए, तो कहते हैं भाव है, भगवान तो भाव ग्रहण करते हैं, बहुत इजीली कह देते हैं हम मेहनत कर रहे हैं, मतलब हम लोग कितनी वैदिक भक्ति में, और वो इजीली ऐसे तो भाव में आ जाते हैं, वो उनको क्या कहेंगे, उनके क्या कहेंगे, भाव खाते हो? नहीं, वो कहते हर बात कहते हैं भगवान तो भावों के भूखे हैं, पर ये कह के वो यहीं पे पल्ला झाड़ लेते हैं, पल्ला झाड़ लेते हैं। ये बहुत सुनने को मिलता है, मतलब भाव की स्थिति में तुरंत पहुँच गए, वही तो सहजी है ना, समझे नहीं ना, वो क्या, हाँ जान गए। चलिए।